अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भाई शाम विद मी किरण मीर। कड़ा हाल तव जहाँ ठीक आयो, खैर खैरियत से आयो। अरे मुझे गलो खराब है, ताकि अंदाजो थी रहे हो तो मुझे आवाज़ बुधण सा, छो त कल का वटी जका कराची में शाम का जका हवा लगी है, थदी हवा लगी है। एतरे अरसे का सा रड़ियो पया क्यों सबई त कराची में सर्दी कोन थी पए, सीए कोन था अचन, असा ने स्वेटर्स पाए था सगूं, उन्हें जैकेट्स पाए था सगूं, उन्हें शॉल्स पाए था सगूं। त रात जका हवा लगी उन मां अंदाजो थी वयो असा के, त हाणे थोड़ा घणा जेके हैं असा के जैकेट्स भी कढ़णा पवंदा, शॉल्स भी पाइणी पवंदी। थद अची रही आए, थद अची न बल्कि अची वही आए। ऐं हुए भी दिसंबर में त हिते सर्दी पवंदी ही कोन्हे, जनवरी जो हिकिड़ो महीनो हूंदो आहे, महीनो भी न चवां, मुश्किल सां 15 ॾींहं जेको आहे थद पवंदी आहे, थोरी सुठी हिकिड़ी सर्दी पवंदी आहे, जंहिंमें असां पंहिंजी सभु ख़्वाहिशूं पूरियूं कंदा आहियूं, ऐं जैकेट्स बि पाईंदा आहियूं, स्वेटर्स बि पाईंदा आहियूं, शॉल्स बि पाईंदा आहियूं। पर इहो ज़रूरु चवंदसि त कराची जी जेका थधि आहे न, उहा ॾाढी ख़तरनाक थधि हूंदी आहे, ऐं इहा डायरेक्ट जेको अटैक कंदी आहे न असांजे गले ते अटैक कंदी आहे, ऐं ॿियो असांजे हॾनि में जॾहिं चिंबड़ी वेंदी आहे न इहा सर्दी, पोइ ॾाढी तकलीफ़ ॾींदी आहे। ऐं असां किथे कराची खां ॿाहिरि किथे वञूं त उहा सर्दी असांखे वरी बि सम्झ में ईंदी आहे, असां उन में इंजॉय कंदा आहियूं, असां सही हूंदा आहियूं। पर कराची जी जेका थधि हूंदी आहे उहा बीमार कंदी आहे अक्सर करे, घणो करे उन में ज़ुकाम जल्दी थी वेंदो आहे, गलो ख़राब थी वेंदो आहे, ऐं न असां थधो पाणी पी सघंदा आहियूं। हूअं ई बि थधो पाणी अवॉइड कजे, न पीअणु घुरिजे हिन मौसम में त छा, पर हूअं ई बि असांखे जेकॾहिं ख़्यालु रखिणो आहे पंहिंजी सिहत लाइ त चवणी आहे डॉक्टर्स जी बि ऐं वॾनि जी बि, त थधो पाणी फ्रिज वारो यख थधो पाणी जेको हूंदो आहे उहो न पियो त सुठो आहे, ऐं नीम गरम पाणी जो हूंदो आहे या रूम टेम्परेचर पाणी हूंदो आहे जेको, उहो तव्हांजी सिहत जे लाइ वधीक सुठो हूंदो आहे। सो तव्हां पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखो सभई, ऐं हीअ सर्दी इंजॉय करण वारी ज़रूरु आहे, पर एहतियात बि लाज़मी कयो, स्पेशली नंढड़ा नंढड़ा जेके ॿार आहिनि जिनखे जल्दी नमूनिया थी वेंदी आहे या मलेरिया थी वेंदी आहे या ॿिया जेके वायरसिस जेके हली रहिया आहिनि उहे थी वेंदा आहिनि, तमामु घणो अटैक कंदा आहिनि नंढनि ॿारनि खे बि, ऐं जेके असांजे घर में जेके बुज़ुर्ग आहिनि, स्पेशली जेके 60s खां अबव आहिनि, 70 अबव आहिनि, उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो, ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हां ख़्यालु रखंदा बि हूंदा। हिकिड़ी बर्थडे विश करणु ज़रूरु चाहींदसि हिते। असांजी भेण आहे रोशनी जावेद, ऐं उन जी फ्रेंड आहे पारस चन्ना जेका कंबर में रहंदी आहे, त अॼु उन जी बर्थडे आहे। सो मुंहिंजी ऐं मुंहिंजी पूरी RBS टीम जी तरफ़ा ऐं सॼी KTN 7 जी तरफ़ा तव्हांखे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, ऐं अहिड़ी बर्थडेज़ तव्हां ईअं ई पंहिंजी फैमिली ऐं फ्रेंड सां इंजॉय कंदा रहो इनशा। सो व्यूअर्स, अॼु जेके असां वटि गेस्ट आहिनि, ॿ कैटेगरीज़ आहिनि, हिकिड़ी म्यूज़िक कैटेगरी आहे असां वटि ऐं हिकिड़ी टोटली मेडिकल फील्ड आहे असां वटि, ऐं असां अॼु ॿिन्हिनि सां ॻाल्हाईंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तव्हांखे ख़बर आहे त KTN जो उहो टाइम अॼु खां जेकॾहिं मां 21 साल पोइ हिते वञा, ऐं जेको बि म्यूज़िक जो कमु थींदो हुयो IDs खां वठी करे, म्यूज़िक खां वठी करे, ड्रामा जा जेके बि वॉइसिस थींदा हुया या जेका बि म्यूज़िक थींदी हुई या जेके सॉन्ग्स हूंदा हुया, सॉन्ग कंपोज़िशन थींदी हुई, त उन में हिकिड़ो नालो सभिनि खां वधीक टॉप ऑफ द लिस्ट ईंदो आहे, ऐं उन्हनि जो 36 सालनि जो माशाल्लाह सां एक्सपीरियंस आहे। 36 साल हुननि पंहिंजा म्यूज़िक खे ॾिना आहिनि, म्यूज़िक कंपोज़र बि रहिया आहिनि, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि आहिनि, डबिंग आर्टिस्ट बि आहिनि, उन खां अलावा पढ़ाइनि बि था, हाणे त मीडिया साइंसिस बि पढ़ाए रहिया आहिनि, ऐं डिफ़रेंट डिफ़रेंट जायुनि ते उहो पंहिंजी जेको आहे टीचिंग बि कनि था। उन सां गॾु गॾु जेको आहे डबिंग वारो सिलसिलो बि उन्हनि जो हली रहियो आहे, वॉइस ओवर जो सिलसिलो बि हली रहियो आहे। मां हमेशह हिकिड़ी शइ चवंदी आहियां अली अकबर जे लाइ त मुंहिंजो उस्ताद आहे एक्टिंग में, पर जेकॾहिं वॉइस ओवर जी ॻाल्हि कयां त वॉइस ओवर में मुंहिंजो उस्ताद सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे, जंहिं मूंखे वाकई वॉइस ओवर आर्टिस्ट ठाहियो, ऐं मूंखे वाकई ख़बर कोन हूंदी त वॉइस ओवर्स कीअं कबा आहिनि, डबिंग कीअं कबी आहे, पर इहो वाहिद इंसानु आहे जेको जंहिं मूंखे इहा ऑपर्चुनिटी ॾिनी, ऐं मूं ते एतबार कयईं। मां परेशान बि थींदी हुयसि, घबराईंदी बि हुयसि, मूंखे वॉइस ओवर करणु न बि ईंदो हुयो, पर कॾहिं बि मूंखे दड़िको न ॾिनई, हमेशह प्यार सां सम्झाईंदो ऐं चवंदो किरण तूं करे सघे थी, तूं कर। हमेशह मूंखे जेको आहे हिननि सम्झायो ऐं सुठो गाइड कयनि,
त वॉइस ओवर में मुझा उस्ताद आहिनि ऐं अॼु इहो मूंखे ऑपर्चुनिटी मिली आहे पंहिंजे शो जे ज़रिए जो अॼु मां उन्हनि खे थैंक यू कयां ऐं 8 सालनि खां पोइ अॼु मुंहिंजी उन्हनि सां मुलाक़ात थी रही आहे। पहिरियां कॾहिं थैंक यू कयो हुजे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर अॼु मां उन्हनि खे थैंक यू स्पेशली शो में करणु चाहींदसि त हुननि मूंखे हिकिड़ो सुठो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि ठाहियो। त असां सां गॾु जेको आहे हिते ॿुधायां थी केरु आहे, पर उन्हनि जा कुझु ड्रामाज़ वग़ैरह आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त उन्हनि कहिड़ो कहिड़ो कमु कयो आहे। देस परदेस इज़ अ प्रोड्यूसर, उन्हनि कमु कयो हुयो KTN जो हिट ड्रामो रहियो आहे देस परदेस, जेको मलेशिया में शूट थियो हुयो उन में प्रोड्यूसर हुया। उन खां अलावा किस्मत, बाली, साज़िश, पत्थर दुनिया, इहे उहे ड्रामा हुया जिन में हिननि जी म्यूज़िक हुई ऐं बहितरीन ड्रामा KTN जी हिस्ट्री जा, बहितरीन कमु हिननि जो। ऐं माशाल्लाह तव्हांखे ख़बर आहे त हू पाण एॾा ग्रेट इंसान आहिनि। असां सां गॾु स्टूडियो में इमरान साजन हिते मौजूदु आहे ऐं उन्हनि सां गॾु गॾु असां सां गॾु डॉक्टर अरबाब अली जुनेज साहब हिते मौजूदु आहिनि, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स SNBB MU लारकाना, FCPS पीडियाट्रिक्स फेलोशिप पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी USA, ऐं उन्हनि सां अॼु असां खोसारी कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच किरण। माशाल्लाह आपने तो बहुत लंबी एक तमीद बानी इंटरव्यू दिया, सो नाइस ऑफ यू एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी, योर वर्ड्स आर टू इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये कि मैं शुरू से सीखता रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, लर्निंग का सिलसिला मेरा भी जारी है। जो मैं कोशिश करता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, तो अगर किसी में कोई टैलेंट नज़र आता है वो उस रास्ते पे जा सकता है, तो फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँ, उसको पहुँचाऊँ और उसको पॉलिश करके वो भी फिर एक सितारा बन के जगमगाए। सही बात है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम भी दिया, इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। और उसके साथ साथ थैंक यू भी ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने मुझे ज्यादा अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनाया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और आपने इतनी जल्दी पिक किया। जब मैं देश परदेश के बाद यहाँ आया तो आप काफ़ी शोज़ करती थी यहाँ पे, तो मुझे एक करेक्टर में कर रहा था नेशनल ज्योग्राफी के लिए, हम एक फिल्म कर रहे थे उसके लिए, हम एक ऐसी लड़की का करेक्टर चाहिए था जिसकी आवाज़ में बड़ी मासूमियत भी हो लेकिन जब वो चेंज करती है तो वो एक उसके अंदर ग्लैमर भी नज़र आए, तो वो मैं ढूंढ रहा था। तो आप जब शो कर रही थी मैंने देखा यार ये आवाज़ तो बहुत अच्छी लग रही है, उसके अंदर एक्सप्रेशंस बहुत हैं, टोन वैरायटी टोन है, क्योंकि जब आर्टिस्टों से आप बात कर रही थी तो जैसा आर्टिस्ट होता था, अगर वो सीनियर है तो उसको उसकी रिस्पेक्ट के साथ, जूनियर है तो चिट चैट के साथ सब, तो वहाँ मैंने कहा यार ये इसके अंदर टैलेंट है। फिर मैंने आपसे बात की, बुलाया, तो आपने माशाल्लाह हमने इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स की, वॉइस ओवर्स की, उर्दू की, सिंधी की, इंग्लिश भी की, डबिंग की, इतने इतने करेक्टर्स की, लड़की का, बड़े करेक्टर, आंटी का, अम्मा का, और आपने ऐसे एक बच्चे का भी किया था, याद हो अगर आपको तो, एक बच्चे छोटे नंढे बार जो भी जेको आहे हिकिड़ो वॉइस ओवर कयो हुयो ऐं उन टाइम त मां बिल्कुलु हार मञी वेठी हुयसि। मां इमरान खे चवां पई, मां चयो नहीं हो सकता मुझसे, त चई तूं करे वेंदी आहे, तूं चेंज पंहिंजो थोरो वॉइस चेंज कर, बाक़ी हुनखे चेंज करणु मुंहिंजो कमु आहे। तो यू डिड इट, आपने किया था, तो माशाल्लाह आपके अंदर टैलेंट, और आप अच्छी नहीं, बहुत अच्छी वर्क स्टाइल, एक आर्टिस्ट है। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। और आज यहाँ आने पे हमारे दोस्त एंडी शर्मा और KTN से भी काफी टाइम हो गया था, एक शिकायत थी आ नहीं रहे, तो KTN से मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, डे वन से, मतलब जिस दिन से KTN ऑन एयर है उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़ा हुआ इसके साथ। शुरू में इसकी सारी न्यूज़ आईडीज, सारे प्रोग्राम्स, ड्रामास और इस तरह सारा कर रहे थे, और वैसे भी नॉर्मली अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई 40,000 से ज्यादा ड्रामे हो चुके हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, 40,000 से ज्यादा। माशाल्लाह, आपसे मैं डिटेल में बात करूंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या आयो, तमाम ठीक आयो? फर्स्ट क्लास मिली, खुशी थी KTN वारन जी मेहरबानी, असें दावत दिनन। जी जी, थैंक यू तहां जो, त तहां भी असें के जो कर पे कीमती वक्त दिनो अस, ताकि खबर आ तरी कल मौसम बड़ो है, मौसम अंदर उन्हें समझो घणो खराब है, पर कराची जो लगे तो खराब थी वे है, अंदरूनी सिंध में तो चंदा है कंबल में बाहर निकलने ते दिल नथी चाहे, पर हिते भी मौसम थद अची वई है, जो फील थियो कल का। जी जी सर, बारन में घणो करे हिन मौसम में नमूनिया डाढी थी थे। हां, नमूनिया थी थी हिन मौसम में, हूं बे वैसे बे नमूनिया जका बीमारी है ना, वो असा चोंदा हूं त नंबर 1 किलर। जी, बारन में जेकर असा काउंट कियो कॉजेस ऑफ डेथ, जी जी जी, देयर आर केतरा ही कॉजेस आ हैन, पर उन में नंबर 1 नमूनिया है। जो को इंसिडेंट थो हो, इस्पताल में वजण जो,
तो तां ओपीडी में भी दिसंदो तो ज्यादातर बारन के खंग जुकाम बुखार होंदो चेस्ट कंजक्शन वरी जगह ता इंडोर हॉस्पिटल में वनो तो उते भी ता के बार सहकंदे नजर ईदा माने नमूनिया जे करे मेजॉरिटी ऑफ वैसे भी हुंदा है पर ही स्पेशली जका सर्दी ही सीजन है ना तो उन में उन जो रेशियो वधी विंदो है नमूनिया जका है असन जे हिसाब सा माने तमाम खतरनाक बीमारी है उन के टिकट सीरियस वठन घुर्जे सही ये ना है तो बस खंग जुकाम थी अपन सही थी विंदो ठीक है खंग जुकाम सही थी विंदो पर वो खंग जुकाम खतरनाक सूरत हाल भी करे सके तो जैमें जनरली आम मानू जो सोचिंदा हाँ बार के पासा तो वणे कुखियों तो वणे अड़ी सूरत हाल जार थे वैसे भी खंग जुकाम थे तो डॉक्टर के दिखाण घुर्ज पर स्पेशली जार पासा हाँ या सिंधी में चवंदा आयो तो सहको थी वे उनके तो उनके जल्दी जो है ना डॉक्टर वी सर इन सूरत हाल में घो कर शे भी नोट कई दिठो भी है तो कुछ जो असां जो भेनरू आहिन बारन के सेल्फ मेडिकेशन तमाम घणी कराइंदियूं आहिन छो त हिकड़ो दफो अगर डॉक्टर का दवा लिखी देई तो छदे त समझन त हर तकलीफ़ में उहा ई असर कंदी सही है तां सही था चओ असां वटि सेल्फ मेडिकेशन जो जेको ट्रेंड घणो आहे हूअं पे वैसे भी न रुगो मावरू कंदियूं पर सभु थोरो बीमार थिए पाण दवा वठंदा स्टोर तां दवा वठी ईंदा पूछ शे जने कॉम्प्लिकेटेड थी वही पो खणी विंदा डॉक्टर दे अन्या भी घणी कॉम्प्लिकेटेड थी वही खुदा न खासता जी नमूनिया है वो कॉम्प्लिकेटेड थी वने तो बार जो डेथ भी थी सके तो उन करे चलो थोड़ो घणो जेकने मसलो आए तो मानू करे पैरासिटामोल वगैरह वठी सके तो पर ई ना है तो पाणी वणी का दवा वठी के या स्टोर ता दवा वठी मानू यूज करे उन सा खबर ता छा थी दो एकड़ो तो वो दवा मुमकिन है बार जी बीमारी के हिसाब से न होजे बो अस अजकल बुध होंद तो ड्रग रेजिस्टेंस जो वो मसलो है तो बबा दवाओं जो हाँ असर ही को कन बबा असर इन कर जो अस उन गलत यूज किया है पब्लिक भी इवन तबर आ तो अस मेडिकल प्रैक्टिस क्विक भी जाम जो सुई हण सीख वो भी मेडिकल प्रैक्टिस कह स्टोर वो भी कह उन अनजुडिशियल यूज जैसे चवंदा वो एंटीबायोटिक्स जो घो थे तो उन ड्रग रेजिस्टेंस थी वो है वो अगे जो सिंपल दवाओं होंदी ना हाँ असर ही को उनसा थे एक कास्ट वधी थी वे बीमारी में बो कॉम्प्लिकेशन जो ज्यादा चांसिस तो थे उन जो भी घो मसलो थोड़ो भी मसलो थे तो उसूलन डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करना जरूरी है वो ही बेहतर दवा बुधाए सके बेशक बेशक एकड़ी दवा है भी दुआ हां दवाओं जो भी कम है पर आजकल मॉडर्न जमानो है ना साइंस से वडो रोल है तो दवा जरूरी है दवाओं उन जमाने में कम कंदी हो करे जनरली साइंस जो इतरो रोल न हो हाने तो साइंस जो अधिक रोल आए तो शेन के साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करन गुरु ना बिल्कुल सही ता चाओ ए जरे भी ता दिसो ता त बार में काई भी एडी कॉम्प्लिकेशन दिसो ता त बराए मेहरबानी करे ता जो जेको भी डॉक्टर आहे बारन जो ता फॉरन बारन के उनन ने वठी विंदा कयो इमरान आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इतना अरसा आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को दे दिया अभी भी जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले के दौर में अब के दौर में क्या डिफरेंस आया है देखिए अगर हम ओवरऑल देखते हैं पहले का दौर और अब का दौर तो अभी तो बड़ा टेक्नोलॉजी बहुत इन हो गई है ना पहले ये होता था कि जब आप इस दौर में हैं तो दौर वही होता है सिर्फ उसकी गैजेट्स उसके नाम उसकी टर्मिनोलॉजी उसकी ट्रेंड चेंज हो जाते हैं तो अगर आप जमाने के साथ चलते हैं आप दुनिया में किसी का भी हाथ पकड़ते हैं अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आप इतना इतना और यहाँ इसके बाद या तो आप भी आगे बढ़ें या फिर आप पीछे रह जाएंगे हाथ छोड़ दें तो टेक्नोलॉजी और ज़माना का भी यही डिमांड करता है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपको उनके साथ अप टू डेट रहना है अगर आप उसके साथ अप टू डेट रहेंगे आगे बढ़ेंगे तो फिर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपका जो काम है वो और निखरना शुरू हो जाएगा अब ये पिछले 10 सालों में आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी का गैजेट्स का एप्लीकेशंस का हमारी ज़िंदगी में हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो गया है बहुत इन हो गई हर चीज़ में अब आपका मोबाइल जो है वो पूरी दुनिया है आपकी
आपका कैमरा यही है, आपका कैलेंडर यही है, आपकी घड़ी यही है, आपका ऑर्गेनाइजर यही है, आपका आपने कहीं वीडियो देखनी है, कोई ऑडियो सुननी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना है आपने, लाइव हम ये चैनल भी लाइव हम उस पर देख सकते हैं, सब कुछ उस पर देख सकते हैं। तो अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज तो हो गई, सिमट गई है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है कि वो एक जो मेहनत फिजिकल बहुत ज़्यादा होती थी वो अब मेंटली ज़्यादा होने लगी है। इसी तरह जैसे हम डॉक्टरी की अगर बात करें तो पहले जिस तरह के चेकअप्स होते थे वो अब जितनी मशीनरी आ गई है वो फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है, फ़ौरन डायग्नोज हो जाता है, डॉक्टर अपनी जल्दी से उस पर हम अमल कर रहे थे। बहुत सारी बीमारियां जिनका इलाज था ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, अब वो सब आ गई हैं। तो जिन जो लोग करंट पढ़ रहे होते हैं आज की स्टडी क्या कह रही है, आज की रिसर्च क्या कह रही है, वो उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार ये सिम्टम्स जो हैं ये इस वायरस ने, क्योंकि ये वायरसेस ये बीमारियां ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर लेती ना दवाई के हिसाब से अपने हिसाब, तो वो करंट दवाई की पहले असर किया करती थी अब नहीं कर रही, तो अब क्या रिसर्च आई है, अब कौन सी मेडिसिन आई है। तो जो डॉक्टर करंटली इन्वॉल्व रहते हैं स्टडीज़ में तो वो भी फिर मरीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह मीडिया में पहले हम लाइव जाते थे, कितना एहतमाम होता था, एक घंटे पहले सब आके बैठे हुए कि भाई लाइव जाना है 10 बजे, अब इतने यूज टू हो गए, हमें पता है मशीनरी सारी सेटअप, एक बटन दबाएंगे लाइव शुरू हो जाएगा। वो आपको भी माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपने भी 5 सेकंड पहले बोलेंगे हाँ जी किरण क्यों, आप बोलेंगे जी क्यों रेडी, सब आपके जहन में होता है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा असर कर दिया है, मतलब असरअंदाज हो गई है हमारी फील्ड पे। तो अब मेंटली आपका जहन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पहले बन जाता है प्रॉपर तरीके से, उसको अब एग्जीक्यूट करना वो मशीनरी ने बहुत आसान कर दिया है। सही। और जिस तरह अभी यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं और स्क्रीन से लोग थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, अब देखें स्क्रीन पहले जब नए नए टीवी आए थे इतने बड़े बड़े आए थे, छोटे होते गए, सिमटते गए, पतले होते गए, अब वापसी फिर आपके हाथ में आ गया। अब आपका पूरा टीवी हर पहले होता था एक चैनल है, एक टीवी है, केबल लगा हुआ है घर में, जो घर का बड़ा देख रहा है वही सब देखेंगे, जब बड़ा उठ के जाएगा तो फिर चैनल चेंज करेंगे। अब ये कि केबल्स खत्म हो गए, अब उसकी जगह क्या आ गया, आपका डेटा आ गया आपके पास, टेलीनॉर कोई और कंपनी का डेटा है, मेरे पास किसी और कंपनी का, इधर किसी और कंपनी का, सबके टीवी आपके हाथ में आ गए। अब बच्चा अपने कार्टून देख रहा है, बड़ा जो है वो स्पोर्ट्स देख रहा है, जो घर का वैसे बड़ा है वो न्यूज देख रहा है, खातून जो है वो किचन देख रही है, मॉर्निंग शो, मेकअप क्या हो रहा है, एक घर में अब 6-7 टीवी चल रहे हैं। तो इसलिए अब हर शख्स की पसंदीदगी का जो अपना मवाद था वो उसको वाफर मिकदार में मौजूद हो जाता है कि जी मेरी कितना वैरायटी बहुत है ना, कार्टून पहले तो सिर्फ 7 बजे चलते थे या शाम में चलते थे, अब वही देख सकते हैं, अब कहाँ से देखें, फिर फिल्म VCR आ गया तो फिल्म ला के देख लें, CD आ गए CD पे देख लें, अब यहाँ पे तो आपके पास इतनी वैरायटी कि एक क्लिक पे आप दुनिया के जो भी चाहें न्यूज़ देख लें, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, लाइव क्या हो रहा है, फिर आप रिकॉर्ड भी जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे हम पहले चैनल पे बैठते थे तो रिपीट भी नहीं होता था, एक दफ़ा जो चल गया वो चल गया। हाँ। अब क्या हो गया इसमें रिपीट, अब यही शो जो है आपका 3 दफ़ा चल रहा होता है। हाँ। कि जो अगर आप अभी नहीं देख पाएगा वो रात में देख लेगा, फ्री रात में नहीं देख पाएगा जो सुबह देख लेगा, यूट्यूब चैनल पर देख लेगा। अब यूट्यूब का भी थोड़ा सा जो ना सिलसिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश हो गया तो उनका क्राइटेरिया भी सख्त हो गया है और वहाँ पे क्वालिटी अब कम होती जा रही है, क्योंकि जब एक आपके सामने 10 चीज़ें रखी हों आप एक चीज़ आराम से सेलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने 100 चीज़ें पड़ी हुई हों तो फिर आप पजल हो जाएंगे कि क्या सेलेक्ट करें। तो अब क्या आ रहा है, करंट दौर बल्कि आ चुका है एप्लीकेशंस का दौर आ गया है। अच्छा। अब चैनल्स ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस बना ली हैं कि जी आपने प्रोमो यूट्यूब पे देखा, अब आपने ये ड्रामा अच्छा लग रहा है देखना है तो आप एप्लीकेशन पे चले जाएं, वो डाउनलोड कर लें, नहीं एप्लीकेशन पे, हाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर वहाँ से आप देखें, वहाँ पे ब्रांडिंग भी है, ऑन स्क्रीन ब्रांडिंग है, सारी चीज़ें। अब उसके साथ साथ क्या होगा कि बड़े इदारों ने तो ये एप्लीकेशन पे आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ग्रास रूट लेवल पे आ जाएगा। जैसे किरण अब्बासी की भी अपनी एक एप्लीकेशन होगी जहाँ पे किरण की सारी डिटेल्स होंगी, किरण कैसे करती हैं, सुबह क्या उठती हैं, शो कैसे करती हैं, मेकअप कैसे होता है, हर शख्स की अपनी एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले इंटरनेट टीवी किसी दौर में आया था जब वेब टीवी होता था, लोग देखते थे यार वेब टीवी, वो यूट्यूब के आने से पीछे चला गया था। अब यूट्यूब पे जब इतने ज़्यादा रश लग गया है तो अब वो इंटरनेट टीवी दोबारा इन हो रहा है मार्केट में, बहुत सारे लोग चैनल्स बना रहे हैं, एशिया जापान टीवी है, अकेले राखी जापान से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब चैनल बना रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अब वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ चैनल जो होगा उस पर सेलेक्टेड एक कंट्रोल्ड स्टफ मटेरियल आपके पास कंटेंट होता है देखने के लिए। यूट्यूब पे तो आपका बेहंगा में ना, आप कुछ नहीं भी चाह रहे होते सजेशन में आ रहा होता है आपके पास, और आप एक चीज़ सर्च करते हैं तो 200 चीज़ आ जाती है, तो आप पजल हो जाते हैं, मैंने सर्च किया था वो छोड़ के आप उस जगह पर चले जाते हैं, यार ये थंबनेल अच्छा लग रहा है इसको, आप अपने उस रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन जो वेब टीवी होता है एप्लीकेशन होता है आप थोड़े फोकस होते हैं उस पर कि यार ये हमारी मर्जी का मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ अब चेंज हुई है जैसे हम सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं तो ये अच्छा है? देखिए दुनिया तो हमेशा टेक्नोलॉजी हमें अच्छाई की तरफ ही लेकर जाती है,
अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जिस तरह के यही मोबाइल जो है शुरू में जब आया तो बच्चों को दिया गया गेम खेल लो, बच्चा रो रहा है जिद कर रहा है मोबाइल दे दिया गेम खेल लो, अब वो बच्चा उस गेम से आगे बढ़ गया है। अब वही हम कह रहे हैं कि यार ये मोबाइल बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, और एक्चुअल है, एक तो वैसे भी उसकी आई साइट के लिए खतरनाक है, जहन के लिए उसके जो अंदर जो एटम्स बन रहे हैं, जो उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए भी खतरनाक है, और फिर वो जो हम नहीं चाहते उसको देखना, वो बहुत सारी चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। तो अब हमने क्या किया, यूज़ गलत किया तो वो प्रॉब्लम हो गई बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे फिजिकल पे, तो अब गेम जब से एक दो चार गेम्स आए हैं फिजिकल बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई और उसके अंदर इतने इन्वॉल्व होकर खेल रहे होते हैं कि वो पढ़ाई गई, खाना गया, फैमिली के साथ बैठ के बातें करना या जो भी कुछ होता है बड़ों के साथ, वो सारी चीज़ें बहुत कम हो गई। तो उस वजह से उसका बैड इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जो गुड इम्पैक्ट है कि बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने अपने थीसिस लिखे, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज़ एक स्टडी कर रहे हैं तो इस पर दुनिया में और क्या हो रहा है वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेज, कोरोना ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, पहले कोरोना से पहले आप तस्वुर नहीं कर सकते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है ना, मायूब समझा जाता था। मैं कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ग्रेंच में, तो वहाँ पे मायूब, हर जगह मायूब था भाई, घर पे बैठ के कैसे पढ़ाई कैसे पढ़ सकते हैं। वो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, मेरे पास मास कॉम और एमए जर्नलिज्म के 42-42 स्टूडेंट ऑनलाइन मेरे साथ क्लास ले रहे हैं। पहले तो ये था कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके क्लास लेंगे, वहाँ सिस्टम था, फिर वो भी मुश्किल हो गया। अब मैं कहीं से, मैं सुबह निकला हूँ गाड़ी में, मैंने मोबाइल लगाया, लाइन किया, मैं गाड़ी बंद की और गाड़ी में क्लास लेता हुआ जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान हो गया। बच्चा भी उठाया उसने, अब उठ के तैयार व्यार नहीं होना, उठ के उसने मोबाइल रखा, जी सर, वो भी शुरू हो गया क्लास लेना। हर कोई अपने कंट्रोल इन्वायरमेंट में, उससे बुराई अच्छाई तो होती है, लेकिन अच्छाई ये भी होती है कि बंदा एक जल्दी सीखने का अमल शुरू हो जाता है, फौरन उसने सीखा वो किया। और अब तो बाकायदा तौर पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्लासेस फिजिकल लेंगे या ऑनलाइन लेंगे, सही। तो टेक्नोलॉजी ने ये कितनी अच्छी चीज दे दी आपको, ऑनलाइन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना, अब नेगेटिव नहीं समझा जाता, मायूब नहीं समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि एक ऑप्शन आ गया। सही बात है सर, ता ये ऑनलाइन क्लिनिक कही आ होते हैं बहुत सारे चल रहे क्लिनिक न कही है जी, बाकी ऑनलाइन क्लासेस सरवरता है, क्लासेस सरवरता था सर कोविड में जी 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 ऑनलाइन छो तो फिजिकली इंस्टिट्यूट्स तो बंद थी ना, जी 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 जी, तो वो ऑनलाइन क्लासेस थे, वो ऑनलाइन क्लासेस पर ये करे ऑनलाइन क्लिनिक जो मोड करे ऑनलाइन क्लिनिक्स थियन थी पे हूं, जैके अडकल टेली मेडिसिन था चवन वो बेसिकली उन एरियाज में बेनिफिशियल आए जिते एक्सपर्टीज ना है। फॉर एग्जाम्पल कराची आ या मां गाल क्या लाड़काणो मेडिकल कॉलेज आ यूनिवर्सिटी आ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पर जैसे वरी अना पेरीफ्री हलिया वो जबल इलाके में हलिया वो कें कच्छ के इलाके में हलिया वो तो डॉक्टर काडा वो वैसे इलाज आर्डर की सिचुएशन खराब है तो उते टेलीमेडिसिन जो जो यूज है ना वो थे तो उते जो भी वेठो है उनके को प्रॉब्लम है वो जो है टेलीमेडिसिन फोन के जरिए कंसल्ट करे अजकल प्रैक्टिकली थे तो पो इतने सिंध में भी थे तो पो काफ़ी इदारा जिन टेलीमेडिसिन शुरू कई है सो या कोविड में कुछ मानून टेलीमेडिसिन शुरू कई मरीज से कॉन्टेक्ट में मसलो थी ना कोविड में तो पी पुट का डिजे पो पुट पी का डिजे पो फिजिकल कॉन्टेक्ट तो कुछ मानून जेका है टेलीमेडिसिन शुरू कई इन वक्त पे फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन के जरिए तक को प्रॉब्लम केस है तिसाल तरह ग्रुप्स इंटरनेशनल तो तुम डिस्कस कर सको था शेयर कर सको था तो टेलीमेडिसिन जो अच्छी एडवाइस भी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट एबल टू मेक अ डायग्नोसिस भाई दुनिया में तो हर बीमारी जहाँ एक्सपर्ट बैठा है ओके यू कैन फीड देम एंड दे कैन गिव यू देयर एक्सपर्ट ओपिनियन अजकल तो वो चौदह तो इंटरनेट वाकई एकड़ी जगह कमरे में बंद कर मानून के सर पैंजा प्यारा जेके हैं रिश्ता जेके हैं उनन का मानो परे थी हुआ करीब करीब वारन दूर थी हुआ दूर वारन करीब थी हुआ परे थी है परे न थी हुआ है बेसिकली वेजो अच्छी हुआ वेजो फिजिकली मेंटली तौर पे वारा जेके वेजो थी है वेजे वारा परे थी है। हाँ वो तुम दिस दो रे सोशल मीडिया से इदो है घर में 10 जना है 10 जना के मोबाइल है ए बैठा सब गलो ना गलाई तो कोई को ना पाड़ सा मोबाइल जो जैसे बात की के मोबाइल के चलो एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है काफी बहुत बेसिकली मैं जैसे बच्चों की बात करूं तो बच्चे जो है ना
पहले हम जब छोटे होते थे ना, स्कूल से आते थे तो आके होमवर्क करते थे, पढ़ते थे कि भाई स्कूल में ये पढ़ा ये पढ़ा। अब बच्चे घर में आते हैं ना तो वो होमवर्क गया, वो मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल में लगी था ना। अब वो मोबाइल भी पता नहीं क्या देखते हैं और सारा दिन उससे क्या होता है, पढ़ाई वढ़ाई तो गई लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना वो तो कम्युनिकेशन से डेवलप हो गया। आप किसी से बात करेंगे, किसी से खेलेंगे तभी डेवलप होगी ना, वो खत्म हो गई। ये बड़ा करे मुझे ख्याल से तो बारन जे विच में पेरेंट्स जे विच में जो कोई कम्युनिकेशन गैप आ वो तदे ही थवा यही थियो है ना। या इवन जो बारन घर में जे करे पंजे बार है ना, पंजे के मोबाइल है, दे आर नॉट प्लेइंग विद ईच अदर, यो पाण सा कचेरी भी कोन ता कन। आई बार पेंजी मतलब एकड़ी जाती जे का एकड़ी ख्वाहिश रखन ता या एकड़ी गाल जे का पेरेंट्स आ उनन के डिस्कस करन गुरजे या बुधाएं गुरजे, ना बार ता कन ना पेरेंट्स सब कुछ अन पे उनन का। या जो को मोबाइल से मवाद आए ना जो नेगेटिव इफेक्ट भी पे तो ना ताए खबर ना है ना, बार जी अंडरस्टैंडिंग तो पेंजी है ना, उन्हें एकड़ी खबर तो ही सही आ ही गलत आ है, सही गाला वो बाहर से जल्दी इंप्रेस थी दो आयन शेन का ना, उनन जो काफी नेगेटिव इफेक्ट भी पोंता उनके करे असा चोंदा है पीडियाट्रिशियन तो लिमिट टाइम ऑफ मोबाइल आर टीवी आर इंटरव्यू इन तरह के केसेस ना तावट मां गाल के ना असा जो रोज जो मसलो है ना सही त बारन जी कम्युनिकेशन जका है ना वो तमाम घणी वीक थी बार इंदा पेरेंट्स में बार दिमाग कम न तो करे अरे बाबा बार हूं किया असा वठदा हिस्ट्री विस्ट्री अदरवाइज सही है वो उन्हें दिमाग छोड़ तो कम करे हवाल वा तो या तो सजो टीवी से वेठो हों या तो अजकल मोबाइल थी वही है बाबा हाँ बार सजो मोबाइल दिस तो वो कारो इंटेलिजेंट थी वो उही कह जो मोबाइल में तो नजर अचे ना उनके करे पेरेंट्स के थोड़ा वो चवे ना सफाई फ्री हैंड बैल कर तमाम जरूरी check in, check लिमिट लिमिट होजन गुरजे बिल्कुल सही एक तो लिमिटेड टाइम टाइम दे लिमिट जो उनन के वाच कर गुरजे के बाद व्हाट दे आर सीइंग हिट हिस्ट्री चेक करे हिस्ट्री चेक दुनिया में तो ता दिसो ना तो बना एवरीबॉडी इज एक्सप्लॉइटिंग अदर ट्रू उन जे करे बारन के भी एक्सप्लॉइटेशन थी सके थी ता के सा अखबार में पढदा हो ना मोबाइल से कांटेक्ट थियो फलाने वो ही थियो हो थियो हो थियो यो तक पेरेंट्स के कंट्रोल करन गुरजे और के वाच करन गुरजे बारन के। अच्छा इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री पे काम किया है आपने? हाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पे बच्चों के लिए तो मैं बहुत काम करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक तदरीस के अमल से भी है, टीचिंग से भी, पहले भी मैंने बहुत पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी लेवल से तक पढ़ाया है और बच्चों को केजी लेवल से भी, तो उनकी पोएम्स उनके ड्रामे उनके छोटे छोटे से स्किट्स बनाना, तो हम उसमें यही कोशिश करते हैं कि देखें पहले भी जब नेट पर होता था ना एक आध प्लेटफॉर्म था, आपने थोड़ा बहुत किया ओके हो गया रख दिया, अब आपके पास प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, अभी आप फेसबुक चेक करेंगे अपने नोटिफिकेशंस तो आप व्हाट्सएप आ जाएगा, व्हाट्सएप के मैसेज देखेंगे तो एक नई चीज़ आ गई जी स्टेटस, अब स्टेटस चेक करेंगे सबके तो रील्स रील्स हो गई तो फिर स्टोरी स्टोरी हो गई तो फिर आप देखेंगे करंट न्यूज़, तो इतने सारे हैं कि आप उसके चुंगल से निकल नहीं पा रहे होते। वो जब भी हम निकल पाएंगे जब हम बच्चों को भी टाइम लिमिट दे देंगे, ठीक है अगर आपने सर्फिंग करनी है गेम खेलना है हाफ एन आवर आप गेम का रख लें, हाफ एन आवर आप उसका रख लें इंटरनेट पे कोई सर्चिंग करनी है, हाफ एन आवर आप अपने स्टेटस वगैरह चेक करने डालें, एक कोई डेढ़ घंटा आप दे दें उनको चलें जी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम दो ढाई घंटे निकाला करते थे, तो अब वो माहौल नहीं है कि आप ग्राउंड में जाएँ खेलें, ग्राउंड नहीं है, फिर हालात ऐसे नहीं है कि आप गैजेट्स लेके बाहर जाएँ मोबाइल लेके, तो एक टाइम लिमिट सर्टन सेट करें और टाइम लिमिट के हिसाब से चलेंगे, स्केड्यूल बना के चलेंगे तो आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, मैनेज करके चलेंगे तो सारी चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएंगी। सही। अच्छा एक और मुझे बात बताइए कि जैसे आपने एक दौर में प्रोड्यूस किया था ड्रामा, उसके बाद आपकी कभी ऐसी कोई ख्वाहिश रही कि मैं प्रोड्यूस करूँ या डायरेक्शन करूँ या बस ड्रामों से दिल ही भर गया आपका? नहीं नहीं ड्रामे तो देखिए 40,000 ड्रामे किए मैंने और उसके अलावा मैंने म्यूजिक प्रोड्यूसर किए, उसके बाद फिर मैंने बाकायदा इसका जो है ना सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के डिप्लोमास किए अमेरिका की यहाँ पे एक कंपनी है उसके साथ भी और उसके साथ, तो फिर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कैमरा लाइटिंग फ्रेमिंग पढ़ाता हूँ, तो मैंने वो इसलिए भी किया अगर मैं किसी के साथ शूट कर रहा हूँ, मैंने उसके बाद बहुत सारे गाने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स मूवीज ये प्रोड्यूस की एज ए डायरेक्टर भी एज ए सिनेमाटोग्राफर भी, ताकि अगर मैं कैमरामैन को समझाना चाह रहा हूँ कि ये शॉट लेना है तो मैं उसको बता सकूँ कि यार कितने कैल्विन पे लेना है, इसका प्रेशर कितना रखना है, इसके जो है ना फ्रेम रेट क्या रखना है, साइज कितना रखना है, तो वो कुछ सीखने के बाद तो वो मेरा एक अलग सिलसिला है, मेरे पास अपना पूरा गैजेट्स हैं सारी शूटिंग्स के, तो वो शूटिंग्स भी चल रही हैं वो भी चल रही हैं। हाँ ड्रामा प्रोडक्शन वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा टफ था, टफ इसलिए था कि वो बहुत सारी चीजें सिखा के गया, बहुत सारी चीजें बता कर गया कि जी इस तरह होता है कि लाजमी बात है हाथ दोबारा नहीं डालना है इमरान साजन असल में वो नहीं बस दोस्त यार थे और लोग ज्यादा थे
पहली बार ज्यादातर सबका ट्रेवल पहली बार था। अच्छा, फिर वो ऐसा मुल्क जहाँ पे आपकी मर्जी वाले खाने नहीं मिलते। हम लोग यहाँ पे रोटी के शौकीन होते हैं, रोटी तो हमें चाहिए, वहाँ पे तो रोटी ढूंढने से नहीं मिलती। आप 10 होटल्स में जाएंगे तो एक जगह रोटी मिलेगी। फिर हम तो यहाँ पानी कहीं का भी पी लेते, वहाँ तो कहीं आपके घर में जो पानी आ रहा है टैप वाटर तो अलाउ नहीं होता था उस वक्त, तो आपने पानी परचेस करके पीना है, सब चीज़ परचेस कर करनी है। या हम ही होता था गाड़ी वाले को 10 बजे का ENG को टाइम दिया, 12 बजे भी चले जाएँ, वहाँ तो 9 to 5 का टाइम है, 5 बजे शिफ्ट क्लोज हो गई। अब 5 बजे के बाद काम करना है तो 1.5 गुना शिफ्ट है, 7 बजे तक करना है, 7 के बाद करना है तो डबल शिफ्ट है। अब हमने 9 बजे से गाड़ी बिठाई हुई, हम 11 बजे बैठे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि एक दिन का जो एक्सपेंस था अगर वो 10,000 रंगित था तो वो डबल हो गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके फिर हमें पता चलेंगी, फिर बहुत सारे लोगों का भी पता चल जाता है। हज़रत अली का कॉल है कि परखना हो आजमाना हो तो साथ खा लो, सफर कर्ज दे लो या सफर करके दे। सफर करके भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। उस वक्त आदमी की हाइट का पता चलता है, कौन ऊँचा है और कौन नहीं। सही बात है, हकीकत गाला है ऐं वडा भी यूं ही चवंदा आहिनि त कंहिंखे अगरि आज़माइणो आहे त सफ़र लाज़मी कयो, उन में इलाही शयूं क्लियर थी वेंदियूं आहिनि। सर, हीउ वारो जेको मौसम जे त सवेर बि ॻाल्हि कईसीं त ॿारनि में नमूनिया, उन सां गॾु गॾु मलेरिया, मच्छर मूंखे ख़बर न आहे त कराचीअ में केतिरा मच्छर आहिनि। ज़्यादातर माण्हू इंडोर आहिनि, पर अंदरूनी सिंध में त मच्छर उहे घणा आहिनि न। हिते त ईअं आहे त माण्हू एफोर्ड बि करे सघनि था त को क्वाइल बि ॿारे सघनि था, पर अंदरूनी सिंध में माण्हू वीचारा ग़रीब, ओपन हाउसिस, नो विंडो, नो नेट, नो दिस क्वाइल, त दे आर सफरिंग। कराची में बि हूंदो, पर मलेरिया मां त जीअं जेको ॾिसां थो पियो त फ्लड्स खां जेको शुरू थियो आहे न, उहो अञा ताईं माण्हुनि जी जिद नथो पियो छॾे। ऐं मां त ॾिसां थो माण्हू असांजा जेके आहिनि न, उहे अॻु में ई इकनॉमिकल सूरत हाल ख़राबु थी वई आहे कंट्रीअ जी, मथां उन्हनि जी बीमारियुनि बि जेका आहे इकनॉमिकल सूरत हाल ख़राबु थी आहे। मलेरिया में मुसीबत इहा आहे त जनरली असांजा माण्हू जेके आहिनि त मलेरिया त चवंदा आहिनि, मतिलबु मलेरिया थियो आहे, मलेरिया इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़। अफ्रीका ऐं एशिया में वधि माण्हू जेके मरनि था न, उहे मलेरिया जे करे था। ऐं असां चवंदा आहियूं हिकिड़ी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मलेरिया जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि न। हिकिड़ी त चवंदा आहियूं त फैलसी पेरम मलेरिया, उहो जेको आहे वॾी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया करे सघे थो, उन में माण्हू मरी बि सघे थो। मुख़्तलिफ़ उन जा माना क़िस्म थींदा आहिनि, को बेहोश थी वञे, कंहिंखे साह जी तकलीफ़ थिए, को शॉक में हलियो वञे, त फैलसी पेरम में घणी मॉर्टेलिटी हूंदी आहे। त मलेरिया खे सिंपल न वठणु घुरिजे, उनजो मलेरिया बुखार सही थी वेंदो। असां वटि त ईअं हूंदो आहे न, बुखार थियो पैरासिटामोल जी गोरी खाई छॾी, उहो ई मलेरिया जो बुखार त सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं वारे जो बुखार आहे, हिकिड़े ॾींहुं थियो वरी ॿ ॾींहं न थियो त माण्हू वरी ॿिए ॾींहं ते वरी गोरी खाई छॾींदो। उहो बुखार त करे सही थियो, वरी टे ॾींहं ते थींदो, उनजो रूट काज त ट्रीट न थियो न। त माण्हू ऐं असांजा माण्हू पाण ई वेसे सम्झी वेंदा आहिनि, बसि हीउ बुखार आहे मलेरिया आहे त सम्झंदा आहिनि मलेरिया आहे, पर बिकॉज ऑफ फिनांशियल पॉवर्टी डॉक्टर ॾे न वेंदा आहिनि। डॉक्टर ॾे ज़रूरु वञणु घुरिजे, उनजो इलाजु वठणु घुरिजे, ऐं जेकॾहिं प्रॉपर न इलाजु वठंदो न त माण्हू जीअं मां ॿुधायो न मरी बि सघे थो। सर, इन जा जेके सिम्पटम्स जेके हूंदा आहिनि ऐं असर जेको इनजो रहंदो आहे उहो छा काफ़ी टाइम ताईं रहंदो आहे? न, मलेरिया जेकॾहिं तव्हां ट्रीट न कंदो त भई थींदी। ऐं मलेरिया में हिकिड़ो ॿियो वरी क़िस्म थींदो आहे जेके असां वायवेक्स चवंदा आहियूं। वैसे त 5 क़िस्म आहिनि हुनजा, पर कॉमन जेका असां वटि आहे न, फैलसी पेरम जेका ख़तरनाक क़िस्म जी मलेरिया कंदी आहे, ॿी वरी वायवेक्स। वायवेक्स में वरी मुसीबत इहा आहे त मलेरिया में मरीज़ खे बुखार उन वक़्तु थींदो आहे जॾहिं इहे पैरासाइट ब्लड में सर्कुलेट कंदा आहिनि, उन वक़्तु बुखार थींदो आहे। ऐं पोइ जनरली छा थींदो आहे त माण्हू चलो मलेरिया जी दवा वरितनि त उहो जेको ब्लड में जरासीम आहे उहो त मरी वेंदो, पर उहो जेको वायवेक्स था चऊं न उहो वरी जेरे में वञी टिकी पवंदो आहे। ओके सर, हिन ॻाल्हि खे जेको आहे ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू करणु चाहींदुसि, ब्रेक जो बि वक़्तु थी वियो आहे। जी व्यूअर्स, वक़्तु आहे ब्रेक जो, कारण मुंहिंजो जल्दी वापसि था अचो। रंग भरी
व्यूवर्स भी तक भली कार कहसी भी असाज प्रोग्राम में शामिल थी सको असेंगे कॉल करो जैसे कोई सवाल करो है डॉक्टर साहब से तो बिल्कुल करो इमरान साजन भी असर इतने मौजूद हैं जैसे तक उनो है तो उन्होंने भी ऐसे सो सर जो ब्रेक का पे मलेरिया से गाल पे क्यों चाहस तो कंटिन्यू कर मलेरिया जी मां जिक्र कयो ता का सिंपल बीमारी ना है ता जेकरे सस्पेक्ट कयो ता पान भी फॉर एग्जांपल कॉमन सिम्पटम जेके मलेरिया जाय जेके असन जे आम मानुन के भी खबर आए तो भाई बुखार थिंदो ए उनसा गड सी थिंदो सी या खास निशानी है पर हर उबर ये बनाए ता जेके रुगो सी ए बुखार आए तो उनके मलेरिया भी बीमारी थी सके थी पर कॉमन बीमारी आए उन जैसे बुखार छे वो तो उनके पघर इन रेस्पायरेशन थी या खास है मलेरिया से घनी कॉमन है उनके आम मूँ के भी खबर है तो जैसे मूँ सस्पेक्ट करे तो भाई इनके मलेरिया है तो मलेरिया की दवा वन घुर्जे छो तो जो दवा न वी तो बुधा न तो मूँ जो मौत भी वाक्य थी सके तो असा वट मूँ की हेल्थ एडुकेशन ना बेसिक रीजन यो है बेसिक रीजन यो है तो हेल्थ एडुकेशन ना है ना बो वो अस रुगो मानू जो डो ना असो हेल्थ सिस्टम भी एडो स्ट्रांग ना असल जल है तो उनके असा मू बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आर लैक ऑफ एडुकेशन वो मेडिकल एडवाइस ना वन पर वो चवन है पैसे का जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना मू जिंदगी वही तो कुछ न रो उन सस्पेक्ट कर समझो तो इनके मलेरिया है बार आ या वो है तो डॉक्टर का मशवरो जरूर वो घुर्ज इलाज वन घुर्ज पर इलाज का बेहतर है प्रिवेंशन हाँ असा खबर है तो मलेरिया मच्छर के करे हाँ मच्छर कंट्रोल वैसे अस ना हूँ थोड़ो घड़ो गवर्नमेंट जो वैसे मलेरिया जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो उनको कम है तो मच्छर के कंट्रोल कर मच्छर में ही फैलजी थी ना नंढा हूँ तो गोठन में अस गोठा मूँ हूँ तो स्प्रे जहाजन से स्प्रे मन सीजन जो पीक सीजन होंगी हुई ना उनमें स्प्रे हाँ तो वो थे को तो। पर जो मू कर सके तो फॉर एग्जाम्पल मलेरिया ला अस चवंदा तो रात जो पाँच जिसम के वेड़े रखो जी मच्छर न खाए मच्छर ज्यादातर रात जो चक पाए तो ना मलेरिया वो वो न खाए या मच्छर की ब्रीडिंग न थे ब्रीडिंग जो मकसद है तो घर के आडो गंदो पानी वगैरह जो है वो जमो न थे घुर्ज अना जो एफोर्ड कर सके तो घर में नेट लगन घुर्ज क्वाइल बहन घुर्ज या जैसे तुम आउटडोर वनो था तो मॉस्किटो जो क्रीम्स अचन थी लोशन्स वो लगे घुर्ज वो चवंदा ना तो प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट छो तो थी वही तो खर्चो भी वे तो कॉम्प्लिकेशन जो भी खतरो आ उन्हें करे बेहतर आए प्रिवेंशन इज बेटर सर इन्हें करे मैं पर्स में रखी घूमने सही कहता है सही कहता है मुझे अभी एलर्जी थी दिया ने सही सही थी अच्छा इमरान आपने माशाल्लाह नाथ खुआ को भी बहुत ऐसे फीमेल हो गए मेल हो गए सबको आपने माशाल्लाह लॉन्च किया है हाँ नाथ खानी के हिसाब से भी मेरा एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज कलेक्शन भी है कि मैंने बहुत प्रोड्यूस किए हैं नाते सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नाते भी प्रोड्यूस किए हैं और नाथ खान को मैंने कोशिश की कि जो भी जिसके अंदर टैलेंट है उसको अगर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं जी हमें टैलेंट होता है लेकिन चांस नहीं मिलता पाकिस्तान में कोई हमें प्रमोट नहीं करता तो मैं हर उस शख्स को देखता हूँ कि हाँ अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको प्रमोट करता हूँ लेकिन टैलेंट फिर वो ऐसा हो ना कि जो हम बाहर लेकर आए तो हाँ। आपकी नज़र में आपके घर वालों की नज़र में तो वो कैसे भी आप गाएंगे अच्छे होंगे तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सारे लोगों को प्रमोट करने का मौका मिला बहुत सारे मेरे कलाम ऐसे जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी किए मेरे मौला करम करम जब मैंने रिलीज़ किया था मोहम्मद नासिर आफ्ताब करीमी और मेरी उसमें लिरिक्स थे सलमान आब्दीन ने उसको डायरेक्ट किया था इमरान शेख अतारी ने उसको पढ़ा उसके बाद तकरीबन हर दुनिया के नाखा ने उसको कॉपी किया इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री में वो कॉपी हुआ फिर करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ जैसा आपरी से मैंने पढ़वाया 2000 में ना पूछिए कि क्या हुसैन है ए चांद बदली के मुहर्रम मुहर्रम के बदली में चला जा तो बहुत सारे आइटम मैंने उस वक्त किए एम जे साबरी को लॉन्च किया 95 में उनके फादर की डेथ के बाद पहली कव्वाली बनाई फिर उसके बाद वो बेसिकली एम जे भाई को किशोर कुमार को गाने का शौक था ना वो प्लेबैक गाना चाहते थे तो शुरू में मैंने उनसे सारे ऐसे कलाम गवाए और एक OST या एक चैनल ID कोई कव्वाल भी गा सकता है ये ट्रेंड था नहीं 2000 से पहले ना अगर आप बोलें किसी कव्वाल से सॉन्ग गवाना है टाइटल सॉन्ग तो वो बड़ा हैरत करता था एम जे भाई को सबसे पहले मैंने OSTs गवाए ड्रामों के चार ड्रामा काफ़ी सारे ड्रामे उसके
उसके बाद फिर ट्रेंड बन गया, हाँ यार ओएसटी का वाल अच्छा गाता है, क्योंकि रेंज होती है, बड़ा गला होता है, वैरायटी होती है। और उसके साथ साथ फिर चैनल आईडीज, मैंने जितने हमारे इस रिलीजियस चैनल है उनकी चैनल आईडीज अमजद भाई से कराई, तो फिर वो भी ट्रेंड चल गया कि जैसा शान रमज़ान, रहमत रमज़ान, रौनक रमज़ान, फला सब अमजद भाई ने की, तो वो भी मुझे एक क्रेडिट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो भी एक नाथखा आया उसको कोशिश हमने की कि जो उसकी आवाज़ का टोन है, क्राइटेरिया है, जो सोज है, उसको हम वहीं करें। एक टेनिस का प्लेयर को अगर हम क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा कर देंगे तो वो तो बॉल वहीं वहीं लगाता रहेगा, और क्रिकेट वाले को टेनिस में ला देंगे वो तो बाहर फेंकता रहेगा। तो हर शख्स की जगह जो होती है ना, उसको उसके हिसाब से अगर आप ट्रीट करें तो वो फिर एक लगता है कि हाँ यार ये ज्वेलरी है, ये डायमंड है, बहुत बेहतरीन कर रहा है ये। तो उस हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं, सुनते हैं कि किसकी आवाज़ है, क्या रेंज है, उसको प्रमोट करते हैं, तो फिर वो मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला फिर सिला ज़रूर देता है। सही बात है, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, एक और यहाँ पे अक्सर कर जो हमारे पास जो एक टैलेंट आता है, जैसे हमारे पास सिंध में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, लड़के लड़के जो भी हैं माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इवन के हमें शोज़ में भी कॉल करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो मतलब पता चलता है कि इनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ देखिए, अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे जब हम 20-25 साल, मुझे 36 साल हो गए टीवी पे करते हुए, तो वहाँ पे मैं सिंध मैग, मेहरान मैग, इस तरह के प्रोग्राम करता था जो कि प्योर सिंधी टाइप पे चलते थे। और उसमें जब मैं पहली दफ़ा किया, हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर थे, लगारी साहब, मेहंदी साहब, बहुत सारे लोग, तो वहाँ पे आर्टिस्ट आते थे, वो खड़े होकर गाते थे, तो इतना अच्छा गाते थे कि सर ये शिकारपुर से आए, ये जैकबाबाद से आए, ये सिब्बी से आए, और इतना टैलेंट। और उनके अंदर एक ये चीज़ होती थी कि वो रिटेक्स नहीं करते थे, जो हमारे यहाँ के जो सिंगर होते हैं वो तो एक गाने में इतना टाइम लगाते हैं, वो तो बड़े ट्रेंड होते थे। तो फिर मैंने वो ट्रेंड निकाला कि पहले जब वो आते थे सिंध से सिंगर, तो वो जो सुबह से रात तक बेचारों के ट्रैक बन रहे हैं वो गाते हैं। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये बेचारे इतना ट्रैवल करके आते हैं। इवन आपको आप सोचेंगे कि जो हमारे बहुत सिंध के भी बड़े आर्टिस्ट हैं, नजफ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नजफ अली, उनको भी सबसे पहले मैंने ही सिंध मैग में गवाया था। तो जब ये आके उन्होंने गाया था एक गाना, दिल जी दुनिया या पता नहीं कुछ ऐसी गाना था, तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इमरान भी मेरे पास कीबोर्ड है, मैं सीक्वेंस भी करता हूँ, और वो 99 की ये बात है शायद, ये 98 की। तो मैंने कहा यार वेरी गुड, फिर गवाया इनको गाना, सीक्वेंस किया इनका गाना, गवाया तो बहुत अच्छा गाया था। तो मैंने बड़ा इंकरेज किया, मैंने कहा आप आओ सिब्बी से लेके यहाँ, फिर माशाल्लाह आज तो वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, स्टूडियो भी है उनका, स्टूडियो भी है। तो इस तरह और भी उस दौर में बहुत सारे लोग आए, तो उनको मैंने फिर इस तरह ट्रीट किया कि मैं 6-7 कीबोर्ड लगाता था। तो फिर मैंने कहा कि जैसे कि वो गलती नहीं कर रहे, जब गलती नहीं कर रहे तो उनका फिर ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं, हमने ट्रैक फीड किया, और जैसे कि हम प्रोग्राम्स में गाते हैं तो लाइव गाते हैं तो एक गाना 5 मिनट में फाइनल हो जाता है, तो उनको याद कराया, उन्होंने खड़े होकर 5 मिनट में गाया, हमने लाइव बजा दिया गाना, ट्रैक तैयार, 5 मिनट में सिंगर फ्री, चले जी दूसरा, आधे घंटे में पूरे 4 ट्रैक बन गए, खुदा हाफिज। तो फिर उससे क्या होगा, वो उन आर्टिस्टों को भी बड़ा इजी हो गया कि सुबह 11 बजे पहुंचे, 2 बजे तक सब 1:30 बजे तक रिकॉर्ड किया, वो भी घर, प्रोड्यूसर भी खुश, के भाई दिन फारिग हो गया, सारे खुश हो गए। तो लेकिन वहाँ पे मैंने नोट किया, ताज मस्तानी भी वहीं से निकली, 2099 की मैं बता रहा हूँ, जो हमारे आज के बड़े बड़े स्टार सिंगर हैं, उनको मैंने वहाँ पे गवाया। फिर छोटे छोटे बच्चे इतने सुरीले, इतने लय में, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होती थी कि यार अगर ये सिंगर जो है या नाथ पढ़ रहा है जो भी, अगर ये आर्टिस्ट सिंध से आया ना तो भाई ये तो बेहतरीन है, ये हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी भी होती थी और हैरत होती थी यार कि इतने, मतलब अगर ये गांव से आया है वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, उसके बाद ये इतना अच्छा गा रहा है, अगर इसको पॉलिश किया जाए तो ये कितना आगे जाएगा। तो प्लेटफॉर्म उस वक्त तो था भी नहीं, अब तो देखें ना KTN कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज के दौर के जो सिंधी स्टार्स हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, राइटर हों, शायर हों, कोई भी हों, वो बेसिक PTV के बाद किसने उनको प्रमोट किया, उनकी आबियारी किसने की, KTN ने किया। पहले ऐसा होता था कि एक प्रोजेक्ट था, 9 आर्टिस्ट उस एक प्रोजेक्ट में एक कैरेक्टर के लिए खड़े होते थे नाटक रंग में, वो 9 में से किसी एक को मिलता था। फिर माशाल्लाह KTN ने इतना वर्क किया और ऐसा दौर लेकर आया कि 9 प्रोजेक्ट हैं और आर्टिस्ट नहीं मिल रहे उनको कास्ट करने के लिए, सब आर्टिस्टों के पास डेट्स नहीं है, बिजी हैं, शूट्स में बिजी है, फिर नेशनल प्रोजेक्ट किए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए, म्यूजिक किया, गाना किया, ड्रामा किया, तारीखी ड्रामे किए, बाली देखे पूरा तारीखी ड्रामा है, सस्पेंस ड्रामे किए, किस्मत किया, 100-100 एपिसोड्स के, 200-200 एपिसोड्स के ड्रामे किए, कमर्शियल, फिर एक कमर्शियल इंडस्ट्री भी एकदम बूस्ट कर गई जो हमारे चाय के फ्लेवर्स हैं, म्यूजिकल शो हो जमालो कितना ज़बरदस्त हिट रहा है, यहाँ से चलता था KTN से, और भी जितने शो हैं मदर सेटार करते हैं, आप भी बहुत सारे करते रहिए। फिर कास्ट, BTS क्या होता है, कास्ट क्या होती है, डायरेक्टर क्या होता है, फिर KTN ने जब ला के इन सबको फैलाया, तो अब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो अभी देखें ना, KTN एक ब्रांड है, मतलब अगर आप किसी के पास जाके बोलते हैं यार मुझे वो क्या कहते हैं सर्फ दे दें, एरियल का सर्फ दे दें, फॉर एग्जांपल नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो सर्फ एक्चुअल तो चीज़ का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है ना।
तो अब अगर आप सिंधी मीडिया की बात करते हैं और एक अच्छे मीडिया की बात करते हैं, यानी कि एक कंटेंट ऐसा हो कि जी क्लासिक हो, और भी बहुत सारे काम करें, लेकिन क्लासिक कंटेंट जब आता है तो KTN इज ऑलवेज टॉप ऑफ द लिस्ट। टॉप ऑफ द लिस्ट, सही बात है, हकीकत है। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आए KTN, और ये तो चांस भी देते हैं, आप लोग हैं जितने भी हैं सब देते हैं। हम बिल्कुल प्रोमोट करते हैं, ऐसा वाकई चांस दिंदा भी आई हुई है, असाजे शोज में भी इंदा रहना है। नहीं, हमेशा मां चवंदी आहे त KTN जा दरवाज़ा हमेशा तव्हां लाइ खुलियल आहिनि। ही वाहिद चैनल आहे, वाहिद सिंधी, फर्स्ट सिंधी सैटेलाइट चैनल आहे जेको वाकई टैलेंट के प्रमोट कंदो आहे। सर, तव्हां जो शौक़ रहियो आहे ड्रामन खे ॾिसण, म्यूज़िक सां, ईअं त रहियो हूंदो, डॉक्टर पंहिंजी जाइ ते, पर इहो त शौक़ रहियो हूंदो। ड्रामन ॾिसण जी जेका उमिरि थींदी आहे न, उहा उन ज़माने में रुॻो PTV हूंदी जी, ऐं उन ज़माने में नाटक रंग जो हिकु नाटक रंग हलंदो हुयो, नाटक रंग हलंदो, ऐं हाणे बि काफ़ी राइटर आहिनि, पर मां चवंदुमि उन ज़माने जा जेके राइटर हुया न, जी जी जी, उन्हनि जो जवाब न आहे। वॾा वॾा जेके असांजा राइटर आहिनि, अली बाबा जा ड्रामा ईंदा, या अमर जलील जा ड्रामा ईंदा, त असांजे ॻोठ में जेकॾहिं बिजली न हूंदी हुई त ॿिए हंधि ॻोठ में ॾिसण वेंदा हुआसीं असां TV, जेकॾहिं ॻोठ में हूंदा हुआसीं त स्पेशली हिकिड़ो ई प्रोग्राम हलंदो हो न, नाटक ड्रामा ॾिठासीं। वैसे मुंहिंजो पर्सनल लिटरेचर सां वास्तो रहियो आहे, अरे माशाल्लाह, स्टूडेंट दौर में माना काफ़ी लिटरेचर पढ़ियोसीं, अदब कहाणियूं पढ़ियोसीं, मतिलब शेर शायरी अदब पढ़ियोसीं, पढ़ण जी हद ताईं काफ़ी यादि आहे। कुझु यादि आहे, यादि छा जो कुझु शेर हुजे त ॿुधायो सर, छो न, इहो बि जेकॾहिं आहे त ज़रूरु ॿुधायो। शाह साहिब जो छा ॻाल्हि आहे, शाह साहिब जो शेर आहे असां सिंधी माण्हुनि लाइ, फॉर एग्ज़ाम्पल उनजो हिकिड़ो शेर आहे त खरकणा लाहे सुख न सुता कॾहिं, ओसीअड़ो आहे खाहुड़ियुनि खे पंध जो, माना तव्हां जुस्तजू कंदा रहो, सुम्ही न पओ, सामान लाइ फिटी न कयो, सुस्त न थियो, सुस्त जेकॾहिं तव्हां थींदव न त तव्हां पंहिंजी मंज़िल खे अची नथा करे सघो। इहो हेठि सिंधी माण्हुनि लाइ त हाणे बि कारगर आहे, जेको हुननि जो हाल आहे त दे शुड खरकणा लाइ सुम्ही न पवनि, महिनत कंदा रहनि। पर तव्हां जेकॾहिं डॉक्टर न हुजो हा त छा हुजो हा, अदीब हुजो हा, मूंखे जेकॾहिं हालतूं इजाज़त ॾियनि आहे त आई वुड हैव बीन अ फाइटर फॉर राइट्स ऑफ पीपल, पर उहो असां बथेरे लॻी वियासीं, उहो आहे, पर जेके असांजे माण्हुनि जा दे आर डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। मां चवंदी आहियां त अलाह पंहिंजी जाइ ते आहे, बेशक आहे, अलाह सां ई असांजी सभु उमेदूं आहिनि, ऐं अलाह खां पोइ जेकॾहिं मां चवां थी न, हिकिड़ो डॉक्टर जेको हूंदो आहे न, उहो वाकई ज़िंदगी बचाए सघे। बसि डॉक्टर जो बि एज़ अ प्रोफेशन हुनजो हिकिड़ो रोल आहे, असां त चवंदा आहियूं त हर माण्हूअ जो पंहिंजो रोल आहे, एवरी ही जेका असांजी सोसाइटी आहे न, उहो इंटरडिपेंडेंट आहे। तव्हां फॉर एग्ज़ाम्पल दर्ज़ी न हुजे त कपिड़ा केरु सिबी ॾींदो, मोची न हुजे त जूता केरु सिबी ॾींदो, इलेक्ट्रिशियन न हुजे त बिजली वारो सिस्टम इहो केरु हलाईंदो, त डिपेंडेंट सोसाइटी आहे, हर कंहिंजो पंहिंजो रोल आहे। डॉक्टर जो ठीकु आहे रोल आहे, हेल्थ सां उनजो रिलेटेड आहे, त उनजो थोरो चवंदा आहिनि वधीक अहमियत आहे, बाक़ी पंहिंजे लेखे अहमियत हर माण्हू जी आहे, डॉक्टर्स खे वठी करे बराए महिरबानी डॉक्टर्स जी इज़त करणु सिखो, ऐं डॉक्टर तव्हांखे जेको बि प्रिस्क्राइब करे थो उन मुताबिक़ तव्हां हलो, ऐं डॉक्टर्स जेका तव्हांखे शइ चवनि था त भई तव्हां हिन शइ खे अवॉइड कयो, हीअ तव्हांजी सिहत जे लाइ सुठी कोन्हे, त तव्हां उन ते अमल लाज़मी कंदा कयो। न त हिते त मां इहो बि ॾिठो आहे, चाहे प्राइवेट क्लिनिक्स हुजनि, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुजनि, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुजनि, या गवर्नमेंट क्लिनिक्स जेके ॾिठियूं आहिनि, या डॉक्टर्स जेके कमु कनि था, उन में असां घटि रिस्पेक्ट ॾिठी आहे डॉक्टर्स जी, सर, सॉरी टू से, पर ईअं न करणु घुरिजे। बहरहाल उहो चवंदा आहिनि न, हिकिड़ी
जेका नेगेटिव प्रोपेगेंडा बि आहे डॉक्टरनि जे ख़िलाफ़ु. एक्चुअली उहो उन में डॉक्टरनि जो ॾोह न आहे. असां वटि उहो असां ट्रेनिंग कंदासीं, पोइ असांजी टीचर हूंदी, उहा इंग्लैंड मां असांजी एम आर सी पी एच थींदी आहे, उहा करे आई. सो चई मां प्राइवेट प्रैक्टिस न कंदी हुयमि, पाण ॿुधाईंदी. ख़ैर हाणे त नावशी त वेरी लीडिंग पीडियाट्रिशियन ऑफ कराची, सुञाणंदा हूंदो तव्हांखे. चई पोइ मूंखे पेरेंट्स सम्झायो, चई मूंखे इहो थींदो त मां मरीज़ खे ॾिसां, वरी उनखां पैसा वठां. उहो अॻु में ई बीमार आहे, वरी उनखां मां पैसा वठां. इहो चई मूंखे पोइ चई मूंखे पेरेंट्स सम्झायो त बाबा तूं एॾी पढ़ी लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल तूं इलाजु हुन जो न कंदे, कंहिं ॿिए जट खां वञी कराईंदा, उहो हुनजो सही इलाजु न कंदो, उनखे नुक़सानु थींदो. तूं पढ़ियलु लिखियलु आहे करे तूं ठीकु आहे, पैसा घणा करे न वठि, थोरा वठि. त पोइ चई ईअं मां प्रैक्टिस शुरू कई. पर असां वटि जेको मसइलो आहे न, जंहिंजे करे जेको वट आई फील जेका थोरी घणी नैगेटिव प्रोपेगेंडा आहे, उहो इहो आहे त असांजा प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़ाहिर आहे डॉक्टर फी चार्ज करे थो. ज़ाहिर आहे उहो चवंदा आहिनि तूं पंहिंजो टाइम सेल थो करे न. बेसिकली उहो असां चवंदा आहियूं, मरीज़ असांखे बि चवंदा आहिनि, मूं चयो बाबा तव्हां मिसाल तौर शाम जो वेही घर में पंहिंजी माईअ सां कचहरी था कयो, डॉक्टर त वीचारो पंहिंजो घर छॾे क्लिनिक ते वेठो आहे, न को ॿारनि सां थो कचहरी करे, न को पंहिंजी ज़ाल सां थो कचहरी करे, सुबुह सां सरकारी नौकिरी थो करे, शाम जो अचे हू क्लिनिक थो करे. त हाणे हू जेकॾहिं फी चार्ज करे थो त उहो हुनजो राइट आहे न. बाक़ी हाणे केरु एफोर्ड करे सघे थो या नथो करे सघे, उन में मां सम्झां थो डॉक्टर जो ॾोह न आहे, उहो असांजी सोसाइटीअ जो ॾोह आहे, असांजे सिस्टम जो ॾोह आहे. असांजो हेल्थ जो सिस्टम अहिड़ो स्ट्रांग हुजणु घुरिजे, हुजणु घुरिजे त जीअं माण्हुनि खे जेका हेल्थ फैसिलिटी आहे फ्री हुजे. पोइ जेकॾहिं भाई जेको इज़त सां फ्री मिलणु घुरिजे, पोइ जंहिंखे घणा पैसा आहिनि उहो भली प्राइवेट में निकिराए. उन में डॉक्टर जो परसे त ॾोह न आहे, जेको जनरली चयो वेंदो आहे बाबा उहो परचो लिखियईं पैसा वरितई असांखां एतिरा. अड़े बाबा असांखे बि मरीज़ चवंदा आहिनि, हुनखे चवंदा आहियूं त बाबा तव्हां इहो सोचो. मां हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾियां तव्हांखे, इंटर खां पोइ 5 साल MBBS में लॻाए डॉक्टर, वरी जेको पोस्ट ग्रेजुएशन करे थो, माना उन जा स्टेप्स आहिनि. माना अॼुकल्ह त थोरो माण्हुनि खे जल्दी अकुलु अची वियो आहे, पोइ बि 30-35 साल हुनखे लॻी था वञनि, या अॻे त 40 साल लॻी वेंदा. 40 सालनि में वञी हुनखे पोस्ट ग्रेजुएशन, हाणे बाक़ी रहिया हुनखे 20 साल. हाणे उन में जेकॾहिं न करे प्रैक्टिस त पंहिंजो गुज़ारो कीअं करे. सही ॻाल्हि आहे, ब्रेक वठणु चाहींदसि. वाक़ई टफ जॉब आहे इहा, ऐं इहा ॾात बि अलाह सां हर कंहिंखे न ॾींदो आहे, कंहिं कंहिंखे ॾींदो आहे. सो वक़्तु आहे ब्रेक जो, कारे 9 बजे जल्दी वापसि था अचूं. वेलकम बैक व्यूवर्स, में तव्हांखे भली कार कंदासीं. तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे, तव्हां बि असांखे कॉल करे सघो था. जेकॾहिं डॉक्टर साहब सां कोई सवाल करणु चाहियो था त बिल्कुलु करे सघो था. ऐं इमरान साजन बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. इमरान साहब बि जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था त बिल्कुलु तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हाए सघो था. अच्छा, आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह RJV हैं, तो ये रेडियो वग़ैरह का जो एक सीन है आपका, तो वो वाला रेडियो है या ये दूसरा वाला रेडियो है? देखिए, रेडियो की जो एक चाशनी है ना, उसका जो एक चार्म है, वो बड़ा हमेशा से सूदिंग और इफेक्टिव रहा है लोगों पे. और ख़ास तौर पे जब आप रात को गाड़ी में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर जो एक आप रेडियो पे सुन रहे होते हैं, तो वो एक जो कॉमेंटेटर होता है या रेडियो प्रेजेंटर होता है या RJ जिसको हम कहते हैं, तो वो जो बातें अगर कर रहा होता है वो आपसे रिलेट करती हैं, तो वो बड़ा इफेक्ट करती हैं आपको, डायरेक्ट हार्ट पे, डायरेक्ट दिल पे अटैक करती हैं. तो मैंने बड़ा शो किया ये वाला, रात का वक्त करता था मैं. रेडियो पे स्टाइल होता है, अगर आप सुबह का शो कर रहे हैं मॉर्निंग शो, तो क्या आप ड्राइव टाइम कर रहे हैं तो अलग होगा, नाइट टाइम कर रहे हैं तो अलग होगा. ड्राइव टाइम में आप सुनते हैं अक्सर, जब चल रहा होता है तो फिर उस वक्त आपने आप स्लो टेम्पो में नहीं बात करें, आप ड्राइव कर रहे हैं जा रहे हैं, तो आप ये बात करेंगे जी नाज़रीन आप सुन रहे हैं हमारा शो, और आज बहुत सारे गाने हम आपके लिए लेकर आए, और आप बड़े थके हुए होंगे, घर जा रहे होंगे, आज बहुत सारा काम कर लिया, छोड़ दें आप थकावट को और चलते हैं सुनते हैं ये गाना.
तो वहां पे हमने ये टेम्परेमेंट रखता था कि आपकी एनर्जी डाउन जो हो रही है वो थोड़े से आप अलर्ट हो जाए। अब रात को 12 बजे अगर आप ये करेंगे तो फिर नहीं रहेगा, रात को 12 बजे फिर आप डिफरेंट करेंगे कि यादें सिमट आई हैं, हम सोचते हुए चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं। फिर आप उसमें शेर भी पढ़ सकते हैं कि आवाज़ मुझको मेरे जुनून ने अमल ने दी, आवाज़ मुझको मेरे जुनून ने अमल ने दी और शायरी मिजाज के रद्दो बदल ने दी, अपना हरम तो तूने बनाया है शानदार और मेरी झोंपड़ी यूं ही सहरा में जलने दी। वाँ वाँ। तो आज सुनते हैं बहुत खूबसूरत गज़ल एक लेकर आए हैं, बहुत मेलोडी सॉन्ग लेकर आए हैं, तो आप चलते हैं और इस मेलोडी में हम गुम होते हैं और आंखें बंद करके आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं इस तरह का शो करता था, मेरे बड़े टची सब्जेक्ट्स होते थे, तो अक्सर ऐसा होता था मैं शो करके उतरा हूँ तो मेरे पास एक फ़ोन आया दोस्त का, बड़ा कैमरा मैन है बहुत बड़ा, वो फ़ोन आया तो फ़ोन मैंने रिसीव किया तो उधर से हिचकियों की और रोने की आवाज़ें आ रही। मैंने कहा क्या हुआ राहिल? कह रहा है इमरान यार तू सही कह रहा था, ऐसे ही होता है ये। मैं कह रहा भाई वो तो मैं शो कर रहा था यार, देख मैं अभी हंस रहा हूँ, वो तो शो था। अब वो ये शो था कि आप जिसको चाहते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे ही उतना प्यार करता है? आप उसकी सोच में डूबे रहते हैं, आपका मूड ख़राब होता है तो उससे बात करके उसको देख के आप फ्रेश हो जाते हैं, आपके सर का दर्द दूर हो जाता है। अब ये सारा टॉपिक था, इस पर लेके चलना था, तो वो मुझे रो रो के फ़ोन कर रहा है। फिर हमारे एक दूसरे रेडियो स्टेशन की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फेमस RJ DJ हैं, उनका DJ आता उनका नाम के साथ, तो वो मुझे फ़ोन करके रो रही होती थी कि इमरान सही कह रहे हैं आप। तो मैं सोचता था यार रेडियो इतना इफेक्ट करता है। असल में उसमें एक तो होता है आपकी देखें अपीयरेंस नहीं है, आप सलवार कमीज पहन के बैठे हैं, ट्राउजर पहन के बैठे, आवाज़ का जादू है, कोई आपका टोटल फोकस होता है उस पर कोई। अब यहाँ पे ना हमारे देखें सेट है, आप हैं माशाल्लाह खूबसूरत से, आपका मेकअप, आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, फिर हम कैमरा कटिंग हो रही है, मास्टर शॉट, क्लोज शॉट, कट शॉट, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी आवाज़ है। तो अगर आपके पास एक ही वेपन है, उसको आप उसी वेपन को आप प्रॉपर यूज़ कर लेना, आपका लहजा, आपके अल्फाज और आप जो जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं उसका टॉपिक का चुनाव वो मैच कर जाए आपके लिसनर से, तो फिर समझ लें टोटल फोकस हो के वो आपको ही सुनेगा। तो मैंने कई साल ये शो किया तो बड़ा एक उत्साह मुझे रिस्पॉन्स रहा, एक साइलेंट, मतलब उस दौर में 2010 से 12 तक मैंने 2.5 साल किया ये वाला शो, तो उस वक्त किसी को इजाज़त नहीं थी कि उसका नंबर अनाउंस करें, मैं अपना नंबर अनाउंस करता था, तो मेरे पास 1-2 घंटे के शो में रात को 2000 SMS 3000 SMS आ जाते थे और 2-400 कॉल आ रही होती थी कि मैं, फिर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कॉल मैं नहीं लेता था क्योंकि कॉल लूँगा तो फिर मेरा शो बेकार हो जाएगा। फिर मैंने ईमेल एड्रेस बनाया, वहाँ पे इतनी ईमेल आती थी, सब लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते थे कि अच्छा ये बताएं कि ये हो गया हमारे साथ तो हम क्या करें, उसने हमें धोखा दे दिया। मैंने कहा भाई प्यार मोहब्बत के अलावा मैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उस तरफ भी आए, और आप ये इसको रखें, ये एक एपेटाइज़र रख लें, या हम जैसे खाना खाते हैं ना तो मेन इन्ग्रीडियंट्स तो मेन कोर्स होता है खाने में, जो आपके भाई क्या राइस है, करी है, ग्रेवी है, रोटी है, सैलेड, चटनी, ये साइड में होते हैं ना, तो ये जो प्यार मोहब्बत है ये सैलेड चटनी की तरह ही रखें, उनको मेन कोर्स ना बनाएं, मेन कोर्स पे तवज्जो दें। तो वो रेडियो का तो बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक है। उसके बाद फिर गाने का मेरा बहुत कम रहा है ना, मतलब क्योंकि मेरी कोशिश रही है कि मैं गवाऊं लोगों को, कब कोई नहीं आया, थोड़ा बहुत तो फिर भी आपने गाया ही है, टाइटल सॉन्ग वगैरह कोई गा दिया, कोई नहीं आया तो गा दिया, तो बाकी शायरी चलती रही है। मैं 89 से लिख रहा हूँ अखबार में गज़ल, मुख्तलिफ अखबारात में गज़ल है, रुबाई है, कते हैं, कतात हैं, शायरी है, तो ये मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ। फिर बहुत सारे टाइटल सॉन्ग्स की शायरी, ड्रामों के जो उसके अलावा भी होते हैं फिलर सॉन्ग, उनकी शायरी, और हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हसन जहांगीर भाई हैं, सलीम जावेद भाई हैं, इन सब के गाने करना और करना, तो वो एक एलिमेंट भी बड़ा मजे का होता है। जैसे आजकल OSTs का दौर है तो OSTs वगैरह आपने रिकॉर्ड की? बेतहा 2000 में मैंने जो OST शफकत अमानत अली को सबसे पहला OST मैंने ही गवाया, तो बाद में फ्यूजन बैंड बना, उसका फ्यूजन नहीं था, बहुत देर कर दी। बहुत सारे लोगों को, महनाज आपा के साथ बहुत काम किया, इवन के निसार बज़मी साहब ने मुझे 2000 में अवार्ड दिया था यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान का, 96 में लिया था मैंने। तो OST तो चल ही रहे होते हैं। OST में, OST का जो ये ट्रेंड है ये बेसिकली शुरू ही मैंने किया था 97 से। उससे पहले 97 से पहले ये होता था कि म्यूजिक एक बहुत ही छोटी सी उसकी अहमियत होती थी कि यार वो म्यूजिक एक एपिसोड एडिट हो गया, बुला के थोड़ा सा म्यूजिक करा लो, जहाँ पे जरूरत है, खामोशी है, कोई नॉइज आ गई है, म्यूजिक करा लें आप। फिर मैंने ट्रेंड दिया नहीं यार म्यूजिक को प्रोटोकॉल दो, अगर कोई डायलॉग बोल रहा है तो म्यूजिक उसको इन्हेंस करेगा। उसमें हमिंग्स रिकॉर्ड कराई, अलाप्स रिकॉर्ड कराई,
क्वायर्स रिकॉर्ड की, बहुत सारे ड्रामे उस दौर के, समंदर दरमियाँ, रस्म आशनाई, ये सारे सुपर हिट हुए। कोमल रिजवी का ड्रामा था समंदर दरमियाँ, बहुत सुपर डुपर हिट था, और असावरी और बहुत सारे उसमें। फिर मैंने कोरस लड़कियों का लिया, अलाप रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद ये ट्रेंड कॉमन हुआ, फिर ये हुआ कि हाँ यार ड्रामे, फिर अब सबसे ज्यादा काम ही OST पे होता है आजकल तो, यही उसका मेन वर्जन हो गया, सैड वर्जन हो गया, लविंग वर्जन हो गया, अनप्लक हो गया, खाली पैड्स हो गया, उसी की मेलोडी फ्लूट पे बज रही है, उसी की मेलोडी हमिंग में हो रही है, क्वायर्स में हो रही है। तो ये ट्रेंड 97 में मैंने शुरू किया था, उसके बाद तो अब माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हो गया, इंडस्ट्री बहुत आगे बूम कर गई। अब तो आप देखें हमारे OST इंटरनेशनली मिलियंस ऑफ बिलियंस व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब तो OSTs ऐसे चल रहे हैं कि लोग, मतलब पड़ोसी मुल्क के लोग कहते हैं कि भाई हाँ। पाकिस्तान के OSTs सही, बिल्कुल इनको कोई अच्छा, उन लोगों के OSTs इतने ज्यादा उस दौर में एक आध को हिट हुआ होगा। हाँ। मैं भी कभी नौकरानी नहीं, बहुत ही क्या सास थी, सास थी कभी बहुत, वो एक आध दो उनके चले, बस ये दो तार कसौटी जिंदगी था, उसके बाद या हम पांच का कोई था। लेकिन आज देखें, आज के उनके पिछले 15 साल से कोई OST ऐसा नहीं, कोई ऐसा OST जो हमें क्लिक किया नहीं है, और हमारे जितने OSTs बन गए सब उनको क्लिक, 90% हमारे पास सिंगर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, कंपोजर इतने अच्छे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर इतने अच्छे, तो वो फिर कैरेक्टर कैसा निकल कर आता है। और फिर बहुत से ऐसे गाने हैं कि जिनको लोगों को पता नहीं होता है OST, वो समझते हैं ये गाना है किसी फिल्म का गाना है या प्राइवेट सॉन्ग है, पता चलता नहीं भाई OST है। मुझे तो वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, टिकटॉक पे देख लिया, फिर मैं उसको सर्च करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये हमारा OST है, लगता ही नहीं है उसकी ट्यून मेलोडी और साउंड इतना तो ग्रेस हो गया उसमें। हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी सिंगर्स QB को ले लें, करूं बुलेच के OST से आई, वो हम सफर था, ये इस तरह बहुत सारे हमारे सिंगर ऐसे हैं जो OST से निकल कर। अच्छा, मैं किसी वक्त में ये समझती थी कि वो हम सफर था गाया हुआ टीना सानी साहिबा का, अच्छा ये समझती थी, हालांकि उनकी आवाज बहुत मैच करती है उनसे। जी जी बिल्कुल, फिर बाद में पता चला था ये QB है। QB है, बहुत सारे जैसे कैफी खलील अभी बहुत हिट है, कैफी खलील ने ईवा बी के साथ गाना किया था कन्नायारी कोक स्टूडियो में, तो वो गाना हिट था, कंपोजिशन कैफी खलील की थी, लेकिन उस गाने से हिट कौन हुआ था, ईवा भी ज्यादा हिट हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला का देखें सिस्टम कैसा है कि ठीक है उस गाने से ईवा भी हिट हो गई, गाना किसका था, कैफी खलील का, उसमें कैफी खलील खुद भी था, नहीं हिट हुआ ना कोई बात नहीं, उसके बाद कहानी सुनो 2 जो आया उसने जो बूम मारा, आज आप देख लें ट्रेंडिंग में, वर्ल्ड में ट्रेंडिंग के 5 गानों में आता है, उसके पास टाइम भी नहीं है आज के, वो किसी को इंटरव्यू दे, उसकी सारी चीजें ऐसी, देखें अल्लाह ताला ने देता है ना। अगर हम जनरली बात करें ना न्यूट्रल होकर, कैफी खलील मुझे भी पसंद है, उसकी गायकी, उसका म्यूजिक सब अच्छा है, अच्छा होना एक अलग चीज है, पसंद होना अलग चीज है, और एक रियल में वो होना अलग है। अब कैफी खलील के बालों का स्टाइल वैसे नॉर्मली किसी को पसंद नहीं आता था, आज वो ट्रेंड में आ गया, लोग वैसे वो कट बन गया है, कैफी खलील कट बना दो, कैफी खलील कट से ट्रेंडिंग चल रहा है ना, चल गया। अब जो भी है वो पहले जो ये कॉन्सेप्ट होता था कि यार बड़ा हैवी बैंड हो, बड़ा म्यूजिक भरा हुआ लाउड बज रहा हो, कोरस भी हो, गिटार ड्रम, कैफी खलील ने ट्रेंड चेंज किया जी, सिर्फ गिटार लेके बैठ गया वो खुद ही, और गिटार लेके बगैर बैंड के बगैर म्यूजिक के खुद गिटार पे गा रहा है, और पूरा पूरा ऑडियंस उसके साथ गा रही है, दीवाना हुआ तेरे पे, अगर ये शायरी आप पूरी ऑडियंस गा रही है, अच्छा ये शायरी अगर शायर मुझे लिख के दे कि दीवाना होगा मस्ताना हुआ तेरे प्यार में बेगाना हुआ, तो मैं बोलूँगा ये क्या लिख रहा है भाई, ये तो रिक्शा ब्रांड शायरी है, काफी है कोई अच्छे से लिखो, लेकिन नहीं जब हिट हो गए तो लोगों को ये आसान लफ्ज अच्छे लग रहे हैं, शायरी पसंद आ रही है लोगों को, आसान शायरी है, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म छाए खाए, और पता नहीं इस तरह के वो कैफी खलील गा रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, कोई म्यूजिक नहीं खाली गिटार पे, तो बस जब अल्लाह ताला ने हिट करा दिया तो अल्लाह ताला ने कहा ना ठीक है ईवा भी को हिट करा दिया, इवन हॉलीवुड की जो फिल्म अभी आई थी वहां से भी इंग्लिश फिल्म की मूवी में उसको गवाया था, exactly, ये अरेबिक में भी किसी ने गाया है। लेकिन वो चीज नहीं बन सकी जो कि कैफी खलील को बाद में अल्लाह ताला ने बना दिया, ओरिजिनल ओरिजिनल, ये हकीकत बात है सर। ना हमारी जगह फील्ड आ मेडिकल फील्ड आ या बिदाड़ी मतलब बेकरी ड्राई फील्ड भी करे इन में करे वही करे तो म्यूजिक भी एंजॉय करना हुंदा के टाइम म्यूजिक त हो चवंदा आहिनि त हर माण्हूअ जे लाइ ज़रूरी आहे, सॼो ॾींहुं त मरीज़ न ॾिसजनि, थोरो माण्हू रिलैक्स बि थी वञे, म्यूज़िक ॿुधंदा आहियूं असां। अच्छा सर, हिकिड़ी ॾाढी ॿारनि में मीज़ल्स जी हिकिड़ी तकलीफ़ थींदी आहे, बीमारी चइजे हिन खे या हिकिड़ी छा चइजे, बीमारी आहे त हा चई सघिजे थो, पर इलाही माण्हू चवंदा आहिनि त हिनखे बीमारी न चइजे। Measles is a very dangerous disease. माण्हू जा वॾा मिसकंसेप्शन्स आहिनि, अॼुकल्ह त तमामु काफ़ी कॉमन आहे, अॻे तव्हां ॿुधो हूंदो न हिकिड़ी हूंदी जेके माता चवंदा हुआ, माता त ख़तमु थी वई बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, ऐं हिनखे वरी नंढी माता चवंदा आहिनि माण्हू, पर मां त
उहा माता बि ॾिठी जेका माता थींदी हुई माना वेरी डेंजरस माण्हू मरी वेंदा जेके थींदा पर मीज़ल्स बि एॾी ख़तरनाक आहे असांजो त उहो चवंदा आहिनि मरीज़ सां वास्तो आहे न ख़ुदा न ख़ासि कंहिंजे ॿार खे थिए ऐं पर असांजे माण्हुनि जा ॾाढा मिसकनसेप्शन्स आहिनि हाणे मिसाल तौरु मीज़ल हिकिड़ी प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ आहे उनजे लाइ वैक्सीन अवेलेबल आहिनि वैक्सीन लाइ बि माण्हुनि जा अजीब मिसकनसेप्शन्स आहिनि ॿारनि खे वैक्सीन न कराईंदा वैक्सीन न कराईंदा त पोइ हेठि रिस्क आहे ऐं मीज़ल्स जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासि कंहिंजे ॿार खे थी वञे न त उहो तव्हां उन्हनि जे पेरेंट्स खां पुछो त हुन ॿार सां केॾो बुरो अशर थिए थो ऐं असां जे माण्हुनि में हिकिड़ी अञा ॿी ख़राबु ॻाल्हि इहा आहे अब हाणे माता थी आहे हिनखे नंढी माता चवनि था या पाण ई छॾे वेंदी हिनखे ऐं उनजे करे उनजो इलाजु न कराईंदा हाणे पोइ इलाजु न कराईंदा त जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल करे तव्हांखे चांस थियो मरीज़ ॾिसण जो त हुन मरीज़ वीचारे सां केतिरी तकलीफ़ में हूंदो आहे उहो न खाई सघंदो न पी सघंदो उनखे असांजा माण्हू जेके आहिनि न रेश थी वेंदो आहे बुखार न छॾींदो आहे ॿियूं कॉम्प्लिकेशन थींदियूं आहिनि वात ख़राबु थी वेंदो अखियूं ख़राबु करे बेहोश थी वेंदा घणो उन्हनि सां मसइलो थी वेंदो आहे हिकिड़ो त इलाज न वठंदा ॿी जेका खाइण पीअण हुनखे बंदि करे छॾींदा हाणे भाउ बीमार माण्हू अॻु में ई हुनखे बुख लॻे कोन थी वरी तव्हां बि बंदि कयो हे खारायो हो न खारायो उन सां रहंदो कंदो ॿार जो बुरो हाल उन खां ऑन टॉप ऑफ इट जंहिंखे चऊं त हुनखे तड़ न करंदा न कराईंदा चई भाउ जॾहिं छॾे वेंदी पोइ छॾो हणंदासीं अरे भाउ असां हुननि खे घणो ई सम्झंदा आहियूं त बाबा हिकिड़ो मज़हबी तौर ते चवंदा आहिनि न सफ़ाई निसफ़ ईमान आहे इहो सम्झी तव्हां ॿारनि जी सफ़ाई जो ख़्यालु कयो तव्हां उहो सम्झाइणो पवंदो आहे काफ़ी असांजे ॾाढा मिसकनसेप्शन्स आहिनि ऐं उनजे करे उन्हनि में वैसे बि उन बीमारी में काफ़ी मॉर्टेलिटी थींदी आहे पर असांजे माण्हुनि जे रवे जे करे बि काफ़ी ॿार मरी था वञनि उनजे करे मीज़ल हिकु त वैक्सीन लॻाइणु घुरिजे छो त वैक्सीन अवेलेबल आहे फ्री ऑफ कास्ट आहे उहा लॻाइणु घुरिजे जिते किथे तव्हां ॾिसो था वैक्सीन जा सेंटर आहिनि गवर्नमेंट जा ऐं ॿियो ख़ुदा न ख़ासि था जेकॾहिं कंहिंखे थी वञे त उनजो इलाजु कराइणु घुरिजे ईअं न आहे त पाण ई छॾे वेंदी अॼु बि पाण ई त ठीकु आहे वायरल डिज़ीज़ आहे ॿ टे ॾींहं उनखे लॻंदा आहिनि पर जेके उन सां मसाला थियनि था उन्हनि जो त माण्हू इलाजु कराए न त जंहिंखे बि थिए त उनखे ज़रूरु डॉक्टर ॾे वठी वञणु घुरिजे उनजे एडवाइस जे हिसाब सां उनजो इलाजु कराइणु घुरिजे न तमामु ज़रूरी आहे ऐं ॿार खे विहंजाइजे ज़रूरु सफ़ाई जो तमामु ज़रूरी आहे त खाइण पीअण खां पोइ या सतनि ॾींहंनि खां पोइ या ॿारहनि ॾींहंनि खां छॾो वणंदासीं ईअं कंदासीं उहो कंदासीं ईअं ॿार खे तकलीफ़ जेका थिए थी थी सघे थो त हुन जे ज़रिए बि उहो काफ़ी हुन जा जरासीम वॉश आउट थी वञनि थी बि सघनि था सफ़ाई या उन सां जेकर जेके मसाला थियनि था त उन्हनि जो त इलाजु आहे न माण्हू खे वठणु घुरिजे जेका वैक्सीनेशन जेका थिए थी त केतिरे केतिरे अरसे में थिए थी ऐं केतिरे हिन जा डोज़िस लॻनि था ॿ डोज़ लॻंदा आहिनि EPI शेड्यूल में ॿुधाईंदा आहिनि ॿारनि खे हिकिड़ी 9 महीने में लॻंदी आहे ऐं ॿियो डोज़ 15 महीननि में लॻंदो आहे त उहो असां वटि हिकिड़ो ॿियो बि माण्हुनि में मिसकनसेप्ट आहे पोलियो वैक्सीन थिए थी न असां पुछंदा आहियूं भाउ वैक्सीन छो न कराए चई वैक्सीन कराई आहे अरे भाउ कार्ड आहे चई कार्ड कोन्हे को किथे वैक्सीन कराइण में फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे त ख़बर पइजी वेंदी आहे न वैक्सीन न कराई हूंदी की उहे ईंदा आहिनि न वैक्सीन करण वारा अरे बाबा उहे वैक्सीन करण वारा जेके ईंदा आहिनि उहे पोलियो वारा ईंदा आहिनि उहा मीज़ल वैक्सीन करण वारा न ईंदा आहिनि उन करे वैक्सीन जे लाइ ॿार खे वैक्सीन जे सेंटर ते खणी वञणु घुरिजे जीअं ई ॿारु ॼमे थो न ॼमण खां ई वैक्सीन ॿार जी शुरू थींदी आहे मुख़्तलिफ़ वैक्सीन्स आहिनि त खणी वञणु घुरिजे फ्री ऑफ कास्ट आहे जिते किथे सेंटर आहिनि BSU में RHC गवर्नमेंट जी हिकिड़ी फैसिलिटी आहे फ्री ऑफ कास्ट आहे त वैक्सीन जीअं मां सवेल ॻाल्हि कई न प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज़ बेटर ऐं मुफ़्त में मिले थी करणु घुरिजे ऐं जेकॾहिं नथी थिए त उहा उन्हनि खे ख़बर आहे हा ॿ इंजेक्शन आहिनि फ्री फ्री ऑफ कास्ट आहे ऐं मीज़ल्स हिकु त तकलीफ़ ॿियो मरण जो ख़तरो असल वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त इन करे हिकिड़ी फैसिलिटी हिकिड़ी प्रिवेंशन अवेलेबल आहे करणु घुरिजे न तमामु ज़रूरी आहे ऐं अलाए छो हिनखे सीरियसली न वरितो वेंदो आहे असांजे मुआशरे जे अंदरि स्पेशली मीज़ल्स खे ऐं मलेरिया खे जीअं त डॉक्टर साहिब जो चवणु आहे त इहे ॿई ख़तरनाक बीमारियूं आहिनि ऐं हिन में ख़ुदा न ख़्वास्ता डेथ बि थी सघे थी त बराए महिरबानी त इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखंदा कयो हिकिड़ो त ॿार जी सफ़ाई जो तमामु घणो ख़्यालु रखो पंहिंजी सफ़ाई जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं घर खे साफ़ु सुथिरो रखो ऐं जीअं त वैक्सीनेशन अवेलेबल आहे मीज़ल्स जी
टोटल ब इंजेक्शन आया जो नव महीन से पंद्रह महीन से लगन थी तो तराए महरबानी करे इन में नागू न कयो बारन के जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन लगरायो तो उन्हें भी सेहत सही रही ते भी कें किस्म की परेशानी जो है सामनो न करो पवो आप बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है जैसे इमरान आपने और डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने बताया कि आपने बहुत काम किया है कभी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया जो कि जैसे बीमार बच्चे हैं या हॉस्पिटल का कोई इस तरह का कोई एक्ट हुआ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास? हाँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं मैंने जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने के लिए फातिमी वालों के भी किए हैं फिर जो ऐसे जहनी तौर पर थोड़े से कमज़ोर बच्चे होते हैं या माजूर बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक्टिव करने के लिए हम म्यूज़िक को यूज़ करते हैं क्योंकि म्यूज़िक थेरापी जो होती है वो आपके माइंड पे बहुत इस तरह सूदिंग इफेक्ट करती है कि आपको फील नहीं होता वो एक समय एक मेडिसिन की तरह काम करती है आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप बिल्कुल सही है नॉर्मल है कोई सैड गाना चलना शुरू हुआ आपने वो सुना और आप अपने ट्रांस में चले गए और सैड हो गए आपको यादें आने शुरू हो गए आप रोने लग जाते हैं सुन के क्योंकि उसके उन नोट्स में उस म्यूज़िक थेरापी में वो एक इफेक्ट होता है जो आपका मूड प्रॉपर उसी जगह पर ले जा सकता है या अगर आप थोड़े से गमगीन हैं आपने कोई अच्छा सा गाना सुना तो आप भूल के गए आप इंजॉय करने लगे आप जॉली हो गए एकदम आपके अंदर रिफ्रेश कर दिया आपको तो म्यूज़िक थेरापी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको हम एज एन मेडिसिन भी अब तो दुनिया में बहुत काम हो रहा है कि कुछ पौधे रखे गए उनको बड़ी अच्छी सूदिंग अच्छी सॉफ्ट मेलोडी सुनाई गई उनकी ग्रोथ देखी गई और जो शोर सुनाया गया बेहंगम मौसीकी आउट ऑफ टेंशन वाली सुनाई गई तो उनकी ग्रोथ वो नहीं हुई तो आपके ऊपर म्यूज़िक जो है क्योंकि ये वेव्स ही होती है ना म्यूज़िक वेव्स देखें ज़िंदगी की लाइन क्या होती है अप्स एंड डाउन्स स्ट्रेट तो गया बंदा ना तो म्यूज़िक की जो वेव्स हैं वो सारी अप्स एंड डाउन्स हैं वो जो लाइफ को वो करती हैं कंपेयर करती हैं कि दिखाती हैं कि जी हम रिप्रेजेंट करती हैं तो म्यूज़िक थेरापी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे काम हम बच्चों को वैसे कुछ याद नहीं करा पा रहे होते बच्चों के साथ मैं पोएम्स करता था लेसन है या कोई उनको चीज़ मुझे समझानी है वैसे बातों से वो नहीं समझेंगे तो उस लफ्ज की उस जुमले की मैं ट्यून बना देता था कि ट्यून गा के वो गाते थे तो गा के वो फिर उनको समझ में आता था हाँ हाँ ये तो वो गा के जो बंदा याद करता है ना वो नहीं भूलता वो उसको याद हो जाता है वो जल्दी याद करता है फिर उस पर कोशिश भी करता है अमल करने की मैंने फ्राइडे के ऊपर कुछ ट्यून्स बना दी अब मैंने बनाई यार सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को तो मैं उन दोनों काम कर रहा था प्रैप के छोटे छोटे बच्चों पे ना प्रैप 4 3 4 के बच्चों पे तो अब उनको हमें बताना है कि जी वो सब बताते हैं जी साफ रहें सफाई करें टाइम पे करें पंक्चुअलिटी करें वक्त को मैनेज करें अब वो वैसे सब बोल रहे होते हैं फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि जी अगर काम करने का हमें बताना है टाइम मैनेजमेंट तो टाइम मैनेजमेंट पर शायरी लिखी उसको याद कराया बच्चों को पढ़ाया बच्चों ने याद करा पढ़ के गाया जब गाना याद हो गया तो फिर उनको मैंने बोला इसका मतलब क्या है ये समझे फिर बच्चों ने उसको समझ के गाना शुरू किया पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि उनकी टोटल टाइम मैनेजमेंट चेंज हो गई हर बच्चा उस पर इफेक्ट कर रहा है खाने पर बनाया कि जी क्या खाना चाहिए जंक फूड से अवॉइड करें फलां हेल्दी फूड खाएं फ्रूट्स लाजमी खाएं वेजेस खाएं मसाला कम करें इन चीज़ों पे मैंने इफेक्ट किया तो मैंने फिर नोट किया कि उस 2 महीने की प्रोसेस के बाद बच्चों का जो लंच का सिलेक्शन था वो चेंज हो गया वो अब फ्रूट्स भी लेकर आने लगे वो वेजिटेबल्स पर भी आ गए मीट उन्होंने रेड मीट कम कर दिया फिश पे भी आ गया तो फिर ये चीज़ जो है एक तो लव्स फिर आप उसकी ट्यून बनाते हैं और उसको म्यूजिक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो वो मेडिसिन की तरह ट्रांसफर होता है जबरदस्त तो माशाल्लाह आप यानी म्यूजिशियंस के साथ साथ डॉक्टर भी हैं म्यूजिक तो वैसे भी वो थेरेपी का काम तो होता है सही बात है और थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके बहुत टाइम बाद और मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप कोई मैसेज देंगे जी बिल्कुल मैसेज तो हम लेना भी और देना बहुत अच्छा लगता है मौला अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि खुशनसीब वो नहीं है कि जिसका नसीब अच्छा है सही। हम कहते हैं ना उसका नसीब अच्छा है मौला ने फरमाया खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है कि जो उसको रब ने दिया वो उस पर मुतमईन है खुश है कुछ पर्सन ला हासिल के लिए वो हासिल को भूला हुआ नहीं है जो अल्लाह ने दिया जो उसको हासिल है उसी पर खुश है तो असल खुशनसीब वो है मां मैसेज पेरेंट्स के यो ही दिन तो चवंदा आहिनि त ॿार उन्हनि जो असासो आहिनि उन्हनि जो ॼमण खां छा पेट में हुजे उन खां ख़्यालु करणु घुरिजे माउ जी सिहत जो ख़्यालु कनि ॿार माउ जेकॾहिं सही हूंदी त ॿार जी नशो उन मां सही थींदी ऐं ॿार ॼमे त ॼमण सां ई उनजो ख़्यालु कनि ॼमण खां पोइ बुनियादी शइ जी जेका अहमियत हूंदी आहे फीडिंग त ब्रेस्ट फीड कराइनि उन्हनि खे इहो फीडर उन्हनि खे वात में न विझनि छो त फीडर ॿार वठंदो न त उनखे 100 बीमारियूं थींदियूं
फीडिंग से गड भी शे जो पा डिस्कस किया पंजन बार वैक्सीनेट जरूर कराई छो तो वैक्सीन से काफ़ी बीमारियों जी प्रिवेंट कर सकजन थी उन्होंने तो न रुगो बार सेहतमंद रो पर उनकी इकोनॉमी जो भी बचाव थी बिल्कुल सही। बीमार ना तो खर्चो घटो थी टी जो इम्पॉर्टेंट शो बार जो राइट है वो यो है तो पैं बार एजुकेशन जरूर दियार छो तो जार एजुकेटेड नीन तो उनको जो आईद जो है वो ढो चौदा खराब गुजर तो मुझे मैसेज दी हुई है। थैंक यू सो मच सर ढी सुी गाल कई तो बार के जो है स्पेशली मदर्स जो अजकल मॉडर्न माओन उार थन न दींदन त उन्हें लाइ मां भी यो जरूर चवण चाहिंदस त बार जो बुनियादी हक है असांजे अल्लाह भी फरमायो आहे त बार के उन जो हक दियो ऐं लाज़मी तां बार के पंहिंजी थन प्यारियो छो त उन में सौ बीमारियुनि जी अल्लाह सां शिफ़ा रखी आहे ऐं जेका माउ वाकई पंहिंजे बार के पंहिंजी थन प्यारींदी आहे त उन बार के अल्लाह जी हिफ़ाज़त में भी रहंदो आहे ऐं उनखे कंहिं क़िस्म जी अहिड़ी परेशानी या बीमारी न थींदी आहे हू सिहतमंद हूंदो आहे ऐं जेको ॿार सिर्फ़ु मथे खीर ते हूंदो आहे फीडर ते हूंदो आहे त उन में तव्हां पाण बि ॾिसंदा आहियो त केतिरी कॉम्प्लिकेशन्स ईंदियूं आहिनि केतिरा मसला मसाइल पैदा थींदा आहिनि उहो ॿारु सिहतमंद बि न हूंदो आहे असां परेशान थी वेंदा आहियूं त भई ॿारु छो नथो सिहत पकिड़े छा परेशानी आहे हिनखे डॉक्टर ॾे वठी वेंदासीं डॉक्टर खे जॾहिं ॿुधाईंदासीं डॉक्टर चवंदो तव्हां जॾहिं हिनखे पंहिंजो फीड नथा करायो त हीअ सिहत कीअं पकड़ींदो सो मॉडर्न पंहिंजी जाइ ते रहो पर इलिटरेट न थियो थोरो सम्झण जी कोशिश कयो पंहिंजी सिहत खे बि ॾिसो छो त उन सां गॾु गॾु माउ जी बि सिहत हूंदी आहे ॿार खे जेकॾहिं फीड कराईंदा त उन में माउ जी बि सिहत सही रहंदी सो इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं सुभाणे तेसीं ताईं पंहिंजो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु ख़्यालु रखिजो मूंखे आर बी एस जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त अलाह हाफ़िज़।